India's most badass reality show. Right now, the number one topmost show in the country. ये है मेरी अत्याचारी जेल और मेरी कैद में हैं इंडिया के सबसे बिगड़े हुए, सबसे controversial celebrities, जिन पे मैं कर रही हूँ अत्याचार. लॉकअप में आज तक का सबसे बड़ा तूफान आया है. कुछ कैदियों ने बदतमीजी की हर हद पार कर दी है और हमारे ही सर पे खड़े होकर नाचने लगे हैं. ये शायद भूल गए हैं कि अत्याचारी जेल पे आए हैं. अपनी चाचा की शादी पे नहीं आए कि जो जब मांगे तब मिल जाएगा. और अब से ये इनकी रोज रोज की बदतमीजी नहीं चलेगी. बहुत गलत फहमियां पाल ली इन लोगों ने. काफी गुंडागर्दी करने लग गए हैं ये लोग. आज मैं इन्हें बताऊंगी कि यहाँ का असली गुंडा कौन है और गुंडई कैसे होती है. इन्होंने जो कल रात को किया उसके कारण रात को 12 बजे मुझे मेरे जेलर को बुलाना पड़ा. देखिए क्या कांड किया है इन्होंने. गिव अस शुगर. मुंह में चमाट, मुंह पे एक जोर से. कल कल बता मुझे, बोलेंगे पानी नहीं दे रहे तो क्या? प्लीज चीनी भेज दो. आइडिया मत दे रहे हो. रूल ब्रेक करे शाम तक वेट करते सब लोग. रिक्वेस्ट करते सब लोग. क्या मेरे को रिक्वेस्ट करते? मैं भी रिक्वेस्ट करने वाला कि हम लोगों का खाना जरूरी है. राशन ऐसे ही कम आता हम लोग. मैं कुछ रिक्वेस्ट नहीं करने वाला. प्लीज राशन भेज दो खाने. राशन नमक सजा है. नमक मत दे. शक्कर नहीं मिल रही है. शक्कर के बिना. अरे सुबह ग्रोसरी खत्म हो रही है. Doctor should be on call 24/7. You cannot play with our health. Doctor should be on call 24/7. And a motherfucker should come when we call him. आपके पास approximate आधा पौना घंटा है. Please get somebody or else we'll have to take some kind of action. और हम सब भुगतने के लिए तैयार हैं. ठीक है. मैं कुछ नहीं भुगतने वाली हूँ. हाँ. नहीं whatever it is. मैं तो surprised हूँ कि सब लोग मिलके एक जैसी बुद्धि चल रही है क्या सब? कुछ समझ नहीं है. कि आपस में किसी का भी अलग ओपिनियन नहीं है. नहीं सेम ही है सबका. एक एक जो बोलता है सब वही फॉलो करने लग जाता है. हमें आटा शक्कर नहीं चाहिए. वी डोंट वांट आटा शक्कर. वी विल नॉट एक्सेप्ट द आटा शक्कर. उसको वी वांट समवन टू टॉक टू. कर लो जो करना है. वी वांट समवन. आई सेड बट आई डोंट नो. सिगरेट पी रही हूं. आओ ना दिखा नहीं सकते ना. पीछे शो इट नाउ. वी वांट गिव अस अ फकिंग फूड ऑन टाइम. आई विल स्टॉप दिस. मैं नहीं छोड़ेंगे इसमें. इसमें दूसरे घर वालों को तकलीफ नहीं हो रही है? इंटेंशनली डू थोड़ा ना. इसमें दूसरे वाले घर वालों को सी. सो एवरीवन ब्रेक्स रूल्स. वो देखो कौन पूरे कैमरे दो छोड़ दिया. क्या क्या कैमरे में दो छोड़ दिया. अब आटा जो नहीं है वो तो भिजवाओ कम से कम. नहीं नमक की सजा दे. दे शुडंट हैव. दे शुड हैव थॉट अबाउट. तभी हम लोग ने खड़े होना चाहिए. दे शुड हैव थॉट अबाउट दिस. अनरियल. अरे कैमरे को बेंचो जाके धुआं दूंगा. मेरे को दे दो सारा. सारा तू मेरी ले. कोई बात नहीं. जी के देख लिया मैंने. चेतन तो फुल बैड है. डॉक्टर तुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी बोले लो आ जाएंगे. मेरे को गले में दुख रहा है. मेरे को बाम चाहिए. नहीं देंगे तो मैं सो जाऊंगा. मां चुदा नहीं खाएंगे. फक ऑफ मेकर्स लिख रही हूं मैं. करना है करो. ऑफ कोर्स करूंगी मैं. क्या कर लेंगे. I want to be in this game. I'm not leaving the show. वो stupidity मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रहना है शो में. पर मैं चुप भी नहीं रहने वाली हूँ. जेल है ना. कैदी लोग क्या करते हैं. हाँ ठीक है दे दो भाई सब. हम नहीं ना. So be it. और ये क्या लग रहा है. ये संडास लग रहा है ना. संडास लेके लगा रही हूँ. ऐसे ही लगना चाहिए. खाने पीने पे आएंगे ना उनकी औकात दिखाऊंगी मैं. मैं नहीं डरती किसी से. हो गए तुम्हारे लिए. मेरे लिए चूतिया लोग है. उन जैसे हजार देखे मेरे करियर में. गाइस आई थिंक आई एम गेटिंग लाइक अल्जाइमर इन दिस हाउस. आई कीप फॉरगेटिंग माय मग समवेयर. अल्जाइमर टेलर लौड़े. डोंट रिमूव. अरे काय का बे. रूल बदलना टेलर की मर्जी है.
और अभी तो जेलर को बोला आई एम योर फैन और अभी तो ऐसे कर रहा है फक के मैं आई डोंट गिव अ फक फॉर दिस चूतिया फकिंग रूल्स ओवर देयर चेतन आई डोंट गिव अ फक फॉर द रूल्स आई एम आस्किंग फॉर मिल्क केवी मैं दूध मांग रही हूं यार क्या प्रॉब्लम है खाना नहीं मांग रही उन लोगों को पिज्जा नहीं मांग रही हूं तीन दूध के कार्टन नहीं दे सकते ऐसा शो करना है तो मुझे मत रखो ये बोल के यार नहीं लाया था मुझे मैं खुश थी बाहर नहीं सजा मैं कुछ सजा वजा नहीं कर रहा मैं बिल्कुल सजा फॉर मी दिस डे डजंट काउंट सिंपल मेकर्स फुटेज प्ले कीजिए एक तो तीन दिन बनेगी चाय पत्ती नहीं है एक दिन तो वैसे भी चाय पत्ती नहीं दी आपने हैं आज चाय पत्ती है ही नहीं तो आज दूध पिएंगे अरे थोड़ा सा बचा मतलब बूंद बूंद गिरी बूंद निकल रही है बाबा ये देखो अभी तो यहाँ पे चाय पत्ती पड़ी है थोड़ी सी ये अभी टोचन इसको अभी ये भी गायब करूंगा मैं सुबह जब तड़प मचेगी ना तब इनको समझ आएगा कि तड़प कैसी होती है बोलूंगा चाय पत्ती भी खा गया कोई ऐसे ये देखो इतनी सी चाय पत्ती छोड़ जाऊंगा बस इतनी सी देख रहे हो ये चुटकी नहीं आ चल थोड़ी सी और बेचारे तड़प तड़प तड़पे कि भाई इतनी सी है बाकी कहाँ गई ये कन्फ्यूज हो जाएंगे गई तो गई कहाँ अब देखो अभी मजा आएगा ना बीड़ू नेक्स्ट सीरा बनाए क्या सूजी जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द राशन 12 चम्मच निकाल लो और आटे के उसका लेके उसका शीरा बनाना मतलब मैं 8 चम्मच शक्कर एक बार में डालती इतनी वेस्ट जाती है चाय फेंकने में 8 चम्मच तुम लोग डालते हो हम लोग नहीं डालते ऊपर ऊपर बना रहे हो सीरा ऊपर ऊपर से आके सब लोग रोज के तुम दो दो सीरे खा रहे हो अभी सब लोगों को बोलना पड़ेगा के चक्कर में तीन दिन तक चाय नहीं मिलेगी नहीं हो सकता मैं वही बोल रही हूँ वो नहीं मांग ली ना हमने चक्कर की कैलकुलेट कर हमें सिर्फ इतना बनाएंगे बस समझने की कोशिश कीजिए इन लोगों को ज्यादा भाव मिलना चलो यहाँ से चलो भाई कैसे बना अब शक्कर चोरी करनी अपनी पड़ेगी अभी ये शक्कर किधर गई वो भी देख लीजिए अब वो छुपा वो बुम्बा देख लेगा बस 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 हटो जल्दी जल्दी हटो जल्दी हटो हाँ बोम्बा को पता नहीं चलना चाहिए बोम्बा उसका नाम बोम्बा रख दिया बोम्बा को पता नहीं चलना चाहिए अबे बोम्बा आ गया यहाँ पे यार मुझे लगा सच में दे रहे पास तो मिसअंडरस्टैंडिंग बस बस हम सारे बाहर जाएंगे बोल के रख के बोलो हाँ क्या नहीं अभी तो मिली नहीं है मिली नहीं है भाई बोलो शंकर पाली चालू सब लोग पांच किलो आटा था पहले हफ्ते का 2 किलो बचा था रफली 7 kgs आटा है 16 पैकेट्स कार्टन्स मिल्क के दिए गए थे पनिशमेंट के टाइम पे 2 लिए गए थे अब आप मुझे ये बताइए कि इतनी गालियां मेकर्स को क्यों साइशा फर्स्ट टाइम जो रैशन आया था एंड देन अभी जो रैशन आ रहा है
every time is getting reduced. Fine. Every time someone's making a mistake, the food is getting reduced, which means food is involved in the tasks. Food is involved as part of the game. I was told that food is not part of the game. Even more so, chalo, wo bhi main bhul jati hoon. Tum logo ko dikh raha hai kaun kar raha hai? Hmm. What do you do about it? Nothing. Why do you think? On the other hand, no, but why shall others suffer? Especially the ones who've been lied to. So, ration utna hi aa raha hai jitna pehle aa raha tha. No. दूध कम आ रहा है अंडे कम आ रहे हैं और जो आ रहा है अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ले जा रहे हैं व्हिच मींस फूड इज बीइंग यूज्ड तो आप अगर रूल्स ब्रेक कर रही हैं तो मैं वही बोल रही हूं कि अगर आपको फूड के साथ ही खेलना था इफ यू वांटेड टू टैम्पर विद फूड यू शुड हैव नॉट सेड दिस शो इज नॉट अबाउट फूड यू आर नॉट गोइंग टू टेक अवे योर फूड डोंट से दैट ओके आज मुझे स्पेशली बुलाया गया है ओके अगर आप रूल्स तोड़ेंगे तो जब हम कुछ करते हैं तो आप सुनते नहीं हैं हम सुनते हैं नहीं सुनते हैं ओके हम आपको टॉर्चर करने के लिए नहीं चाहते देयर आर सो मेनी रूल्स दैट हैव बीन ब्रोकन ठीक है एंड मोर ऑफ इट ये आपका जो रिएक्शन है मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने जो रिएक्शन दिया है वो गलत है बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जिस तरीके से हुआ वो गलत है आपको लाखों लोग देख रहे हैं सैशा और बहुत से लोग प्यार कर रहे हैं बहुत से लोग हैं जो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं अभी तक आपने जो कुछ किया ना तीन हफ्ते जो आपने सरवाइव किया है दैट इज ब्यूटीफुल लेकिन आज जो हुआ ना आई एम हियर टू टेल यू दैट बट आई विल मेंड इट ऑफ कोर्स आई नो इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन वर्क ऑन एग्जैक्टली आई नो स्टॉप इट इफ यू स्टिक टू योर एंड ऑफ द बार्गेन आई विल स्टिक टू माइन सो वेयर डज द बार्गेन स्टार्ट सैशा एक सेकेंड जब आप रूल्स तोड़ती है तो हम रूल्स तोड़ते हैं ठीक है अगर आप पीछे जाते हैं अब आप मेकर्स इतना बोल रहे हैं जब मेकर्स के साथ आपकी मीटिंग हुई थी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें लिखा था ना कि रूल्स नहीं तोड़ेंगे आप जो भी कर रही हैं हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आज जो आप कर रही हैं वो पहली बार प्रॉब्लमेटिक हुआ है किसके लिए सायशा आपके लिए अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले खड़े होकर सिगरेट पी रही थी दैट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल दैट यूर सेटिंग बिकॉज ऑन दिस वेरी शो You've set such amazing, beautiful examples. But then don't bend me to reach to that stage. You're not. आप rules तोड़ने बंद कीजिए. आप खाना बंद करना बंद कीजिए. नहीं बंद हुआ है खाना. इसमें क्या नहीं है मुझे वो समझा दो साइशा please. अब आप मुझे just tell me. हाँ. First ration में कितना milk था? नहीं अभी आप बताओ ना अभी हम आज की बात कर रहे हैं. 6 liters. 16 cartons. मैं ही बता. 16 packets of milk. आपको मैंने बताया ना कि क्या-क्या होता है घर के अंदर भी. My point is, that's why I showed you the footage. If your tasks are going to be involved with tampering of food, tasks then nahin. Don't tell me things Aapke like this show is not about food. 10 eggs, 2 kgs of rice, 5 liters of oil, tea, 1 kg, milk, 1 liter, urad ki dal, 1.5 kilo, rajma, 1.5 kilo, bhindi, 2 kilo, beans, 2 kilo, alu, pyaz, tomato, 1 kilo, aata aur sugar aa chuka hai. And today is Friday. ये कल रिफ्रेश हो जाएगा और कल सैटरडे को आपको बाहर से खाना भी आएगा फाइन आई विल प्ले दिस गेम द वे यू ऑल वांट मी टू प्ले नो व्हाट एल्स डू आई से आई लिसन टू मी कहां एक सायशा जो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर रही है और एक सायशा यहां खड़े होकर सिगरेट पी रही है हमारे लिए उसमें कोई लॉस नहीं है व्हाट हैपेंड टुडे इज नॉट समथिंग दैट आई डोंट एंडोर्स फॉलोड योर जर्नी विल एडमायर आई डोंट आइदर Exactly. दिखाना प्लीज ब्रेकफास्ट बनाने आ जाओ हमको यार कुछ भी नहीं है बनाने के लिए क्या बनाओगे आजमा किसी ने नहीं बनाया ना आटा भी नहीं है पोहा भी नहीं है उपमा भी नहीं है आटा नहीं है क्यों बहुत बनाया आटा इन्होंने और कितना आटा वेस्ट किया जब वो पायल बना रही थी परसों कैसे वेस्ट किया था उसने लाइक आप जब आटा गूंथते हो तो गूंदने के बाद जब आप पराठे बनाते हो ठीक है तो वो आटा एकदम चिपका हुआ था आफ्टर यू नो गूंदने के बाद ड्राई आटा हुआ था फिर वो उसमें बनाते हो इतना सारा कितना मतलब आई स्क्रेप सो मच आटा आउट और एटलीस्ट एक पराठे का आटा गूनो यू टेक एवरीथिंग आप इतना भी नहीं छोड़ नहीं लिया शिवम बाहर भी आता वो चावल दिखाने के लिए दाल दिखाने के लिए कितनी वेस्ट हुई थी वो उसी दौरान था सो देयर वाज दाल देयर वाज चावल एंड देयर वाज पराठा हाँ इतने सारे
लिटरली एक कटोरी भर, कटोरी से भी ज्यादा. तो जब आप कंप्लेन कर रही हैं या कर रहे हैं तो मेकर्स को आप ब्लेम कर रही हैं, तो ये बातें क्यों नहीं होती कि यहाँ पर शीरा भी बना था, आटा वेस्ट भी हुआ था, चीज़ें छुपाई भी गई थी. एंड साशा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी जो भी यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है कि खाना कम है या ये है. एक बात समझ जाना कि यहाँ पर कुछ लोग गेम खेल रहे हैं किसी के सर पे बैठ के. ओके, हम ये कभी करते नहीं, लेकिन अगर मुझे दिखा कि कोई कुछ लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्हें पुश किया जा रहा है एक ऐसा साइड दिखाने के लिए जो कि उनकी अभी तक की जर्नी खराब कर सकता है, तो मैं आऊँगा और मैं बताऊँगा. मैंने कल प्रॉमिस किया था कि कोई भी गड़बड़ हो गया, आई वाज टॉकिंग टू पायल कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी ना बाहर तो मैं आऊँगा बताने. नाउ आई नो, हाँ राइट, आई वांटेड डायलॉग, नाउ आई नो, आई एम हियर फॉर दैट डायलॉग, राइट. तो साइशा, प्ले द गेम. नो, प्ले द गेम with the mental understanding that this is how it's going to be. No, I'm still telling you, आपकी rationing को नहीं हिलाया जाएगा. आप rules मत break कीजिए. Fair enough. I'll make sure that simple. That doesn't happen now because I didn't know that that was part of the game. आपको अगर हफ्ते का एक राशन दिया गया है, आपकी आपस में नहीं बनी, उसकी वजह से राशन खत्म हो गया, तो ये आपकी गलती है. Yes, of course. और ये दुनिया भी बोल रही है कि भैया खाना तो आया था, तुमने वेस्ट किया. आइए प्लीज. Who knows? Call him, you know? Karan, I want to say something. I'm coming to you, bhai. I'm coming to you. One thing at a time. Saisha, I hope ki aap samajh gayi ki main kya bol raha tha. Yeah? वो दो चीजें आज मुझे एज एन इंडिविजुअल गलत लगी. कभी कभी हमें लगता है कि कौन सी दो चीजें, वही मैं बताने जा रही हूँ कि हेल्थ रीजंस वाली वो दो चीजें थी. पहला, जो अंजलि का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, पहली बार सुबह उसको लो ब्लड प्रेशर था, सेकंड टाइम उसका ब्लड प्रेशर 50 पे था. उसी पॉइंट पे समबडी शुड हैव टेकन एक्शन. उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आई एम आंसरिंग दिस. जी, जब किसी का ब्लड प्रेशर कम होता है जी, तब उसको पहली चीज क्या दी जाती है? शुगर सॉल्ट. किसने 10 पैकेट पाउडर अपने बैग में छुपा के रखे हुए हैं? आई डोंट नो. 10 बता दीजिए आप ही. डॉक्टर से लिया फंड जो शेयर किया सब लोग. तो जब आपका आज जब बीपी डाउन हुआ था, पूरे जेल में से, आपके दोस्तों में से या आपके कैदियों में से किसी ने आके आपको इसने पिया था सुबह? नहीं, सुबह हमने दिया था. क्या दोपहर में वापस दिया? उन्होंने दिया था, मुझे डॉक्टर ने भी भेजे. हम लिम्बो में खड़े रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. क्या करूं, मैनेजर्स बिठा दूं आप सबके यहाँ पर? डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से. That is something we feel unsafe. Honestly, I'll be honest with you. But to be honest, the doctor's feeling unsafe with you. Sorry? The doctor's feeling unsafe with you. Yeah, of course. Yeah. That time I was livid with him. That when I'm calling, I told him for 1 week, give me one spray or a balm. First aid box, can I show him? I wanted some for the neck only. इन्होंने कौन से स्प्रे की डिमांड की? इन्होंने अभी भेजा. और इसमें कौन सा था? इसमें कुछ था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया. इन्होंने यूज कर लिया होगा, खत्म हो गया होगा. ये अभी तो अभी आया, ये स्प्रे ये अभी आया, अभी आया, कभी आया ये? अभी हाँ, आज ही आया जस्ट नाउ व्हेन आई वेंट. अरे तुम लोग छुपा के रखो तो कैसे मालूम पड़ेगा यार? अरे व्हाट, सामने पड़ा, एवरीथिंग इज इन योर रूम यार. तो टेल मी ना, यू ऑल्सो नो आई एम बीन कंप्लेनिंग एवरी डे कि गर्दन दुख रही. Oh my God! This is something simple that I am saying. I am suffering over here. I don't complain about anything, bro. At least bro, you. I have told how many times. Money, नहीं पता किसी को. कितनी बार बोला कि मेरी गर्दन, I can't move my neck. दे दे एक एक वो दे दे भाई. And if you have it, tell me. It's in your room. I can't come into your room, bro. Of course, you've come in the bathroom so many times. It's lying right there in front of you. Dude, what are you talking? But we should be in the first aid kit, na? But I thought that was तकिये का issue है. उन्होंने बोला. अरे भाई, गर्दन इसे नहीं. हाँ, उन्होंने बोला. तो उसमें क्या? दो पंद्रह बार बोला. तूने आज बोला स्प्रे का, वो स्प्रे दिया. तकिया और चप्पल का issue था मेरे को. आपने हमें mention किया था कि आप smoke नहीं करते. I told him. लिख के दिया था मैंने वहाँ पे. हाँ, आपने कहा था sometimes. Yeah. Sometimes, और आपकी जो चीज़ें चेंज होती हैं उसमें आपको थोड़ा तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा ना. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं चेतन भाई, जिन्होंने हमें नहीं वो कहा था कि सिगरेट्स वो पीते हैं, बट आज की डेट में वो पी रहे हैं, प्राइवेट बाथरूम में जा के पी रहे हैं. ठीक है, और उनके लिए जबकि उन्होंने हमें नहीं कहा कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, फिर भी उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही हैं. एवरीथिंग इज़ प्रोटोकॉल, एवरीथिंग एक्विजिशन इज़ ऑल्सो प्रोटोकॉल. आप कब से हो या इस इंडस्ट्री में, आपको पता है समथिंग कम्स इनसाइड आउट ऑफ द ब्लू
okay, it cannot happen. Ideally, अगर हम आपके लिए कोई सामान लेके रखते हैं जो कि हमें mention किया गया है, हम उसको 3 दिन तक store में रखते हैं, sanitize करके. Ultraviolet sanitization होती है according to protocol and you have to keep it for 3 days. उसके बाद वो अंदर आ सकता है कि कहीं गलती से भी कोई ऐसी चीज अंदर ना आ जाए जिससे आपके हेल्थ पे इफेक्ट हो जाए, बिकॉज देयर इज अ फ्रिकिंग पैंडेमिक गोइंग आउटसाइड. तो अगर आप ऐसे बोलोगे ना सिगरेट चाहिए, नहीं ऐसे काम इट विल टेक. अगर आप बोलेंगे कि शूज, आपके शूज भी अगर आते हैं ना, तो हमें मालूम है कि हमें कितनी चीजें करनी पड़ती हैं उसको अंदर ला के देने के लिए. देयर इज अ प्रोटोकॉल एंड दीस थिंग्स हैव टू टेक दैट मच टाइम और दे हैव टू गो इन दैट. इनमें से बहुत ज्यादातर लोग 3 हफ्ते से यहाँ पर हैं. मुझे तो कोई बता नहीं रहा ऐसी कोई बातें. आपको बहुत सारी चीजें कोई नहीं बता रहा. ठीक है, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम. चार हफ्ते दे हैव बीन हियर. ठीक है, इनके इनके पेशेंट्स इतने नहीं हिले हैं जितने आपके 4 दिन में हिल गए हैं. आई गेट दैट. आपको कोई भड़का रहा है यहाँ पर? आपको लग रहा है भड़का रहा है? आई डोंट थिंक सो. मे बी सबकॉन्शियसली आई एम गेटिंग भड़का आउट बाय समवन. आई डोंट नो. आई डोंट थिंक सो. बट क्योंकि जिस तरीके से आज आपने रिएक्ट किया, quite surprising. I was also very embarrassed for what I, how I acted and sitting out there and doing whatever. I'm also even. वो makers. वो footage play कीजिए please. अंडे जो आए थे ना 90 अंडे पहले पहले हफ्ते. चिकन डोंट गो देयर. चिकन डोंट गो देयर. वहाँ पे चीज़ है तो तू इधर कर ना. Okay, dieting को anyway. अरे पर उसको passive smoking क्यों करा रहे? तू इधर कर ना. सुनो सुनो. लग्जरी नहीं, हम लोगों को इनकी बजानी है, उनकी नहीं बजानी है. इनकी भी बजानी है. आई एम लुक करण, ऑनेस्टली ऑनेस्टली माय सन इज वाचिंग दिस शो. आई नेवर वांटेड टू डू दिस बट इन दिस फिट ऑफ एंगर आई डिड दिस एंड आई एम वेरी एम्बैरेस्ड एंड आई एम श्योर ही इज वेरी अपसेट विद मी एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. I've never met you, but मेरी इंडस्ट्री में आने से पहले से मैं आपको देख रहा हूँ. हम सब आपको जानते हैं. हम सब आपको, मैंने आज तक यहाँ पर किसी को भाई कह के एड्रेस नहीं किया. Did I ever say Chetan? That's the kind of respect as a maker I am giving you. I give everybody that respect. I've told him he's my brother. I've told KV से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, यहां पर हम रिस्पेक्ट देते हैं. दिखाइए. बोल दैट दैट गाय दैट डॉक्टर आई सॉ आउटसाइड ना, गुड फॉर नथिंग. इज अ लल्लू ब्रो. नॉट इन अ ब्लडी, नॉट इवन गॉन टू अ डॉक्टर स्कूल ब्रो. यू लुक लाइक दैट कंपाउंडर. कंपाउंडर यू लुक लाइक. यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल टीम, अ फकिंग एंबुलेंस आउटसाइड. यू आर नॉट फीलिंग वेल. ओके, आई विल सॉर्ट यू आउट. कम बैक आफ्टर यू सॉर्टेड आउट. Karan, only thing I'm telling, only in my defense, at that moment, I felt that even Anjali was really not well and her BP was dropping. I was scared that even, they were saying her pulse is 50 or whatever, her BP was 50. I really got scared and that's the time I started boiling up. Only thing I was afraid doctor of ne is bola? The doctor. Aap Anjali ke saath the na wahan par. Kya bola doctor ne? Wo wale mein normal tha, but usse pehle jab Anjali jaake aayi thi na, तब उसने बताया कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है अंजलि कि हम आपकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे? मैंने कब बोला? अंजलि आपने बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट किया. अगर आप कभी गलत जाएंगे मैं आपके आऊंगा. एक डॉक्टर और कंपाउंडर में क्या फर्क होता है केवी? कंपाउंडर वो है जो डॉक्टर की मतलब बेसिकली खाली वो दवाइयां देता है करता है बस. इज दैट अ लो थिंग टू से? नो, इट्स नॉट अ लो थिंग टू से. अगर आप किसी को बोलेंगे नहीं तो साले डॉक्टर नहीं है कंपाउंडर है, आप उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? That is stupid. एक डॉक्टर को इज्जत और एक कंपाउंडर को इज्जत नहीं. My bad. हम उनको आज की डेट में वॉरियर्स बोलते हैं. We've just been through a pandemic where these guys have given their lives. This is the entire country is watching all this. I'm sorry, it was completely uncalled for. Yeah, please, दिखाइए. Oh God, I'm really scared with the show every time. ना चार्जशीट में आके इतना ऐसा लोड लेके पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो. जेलर से आजा. तू मत कर, मैं करता हूँ. टेलर लौड़े.
Don't remove. अरे काय का बे, रूल बदलना टेलर की मर्जी है। अरे अभी तो जेलर को बोला आई एम योर फैन, अभी तो ऐसे कर रहा है। अरे फक के मैं, आई डोंट गिव अ फक फॉर दिस चूतिया फकिंग रूल्स ओवर देयर। चेतन, आई डोंट गिव अ फक फॉर द रूल्स। मुझे कोई रूल फॉलो नहीं करना। मैं जेल, मैं कैदी हूँ, अत्याचारी जेल में हूँ, मैं भी अत्याचार करूंगा उनके साथ। कोई रूल फॉलो ही नहीं करना मुझे, क्या करेंगे ये लोग? ओके, ऑनेस्टली आई डिडंट, आई थॉट द गाय हु कम्स एवरी मॉर्निंग एंड मेक्स अ पुट अ हैंड ऑन अ हार्ट, ही इज द जेलर। I thought you are Karan bhai. So I'm exactly sorry. Exactly my point, Chetan bhai. Exactly my point. No. He clarified to me in the evening. I know. I saw. My point is not that. Yeah. My point is not that. My point is the same. As the doctor. Me. Yeah. Him. Anybody. You. I am giving you so much respect. Everybody is giving you so much respect. So if he is coming, then he. I'm sorry, man. I got they were just snowballed and I'm really sorry. आप बंदे की हैसियत देख के थोड़ी उसको रिस्पेक्ट दोगे? I know, I'm sorry. I got really angry and just snowballed and I acted like a stupid idiot asshole. आप बोले ना यहाँ दाग धोने आए हो, तो मेरे दाग ये है कि मेरा एंगर मेरा दाग है. तो I accept it and I apologize. I have a lot of respect for all these guys also. मेरे I never disrespect anybody. In my, even from everybody who works with me also, Chetan, anybody who does anything, I Chetan have no bhai, disrespect for anybody. Chetan bhai, but today, I don't know why I lost the plot. Exactly the point. I'm sorry. Yehi hota hai is jail mein. When you say a certain thing, ki main ek respectful insaan hu, main ye sab cheeze nahi bolta hu, aur phir aisi footage bahar jati hai, live, to problem hoti hai na. Chalk. Lijiye. Sorry. Karo, I kind of found it. I laughed when I saw Taylor. But that's what I'm trying to say. Whatever you guys are doing is what is being shown. Agar aap ek kisi ki disrespect kar rahe ho, to wo aap hi ke log dekh rahe hain. Yep. Ye jo makers jo aapko aise devil ke horns ki tarah dikh rahe hain na, wo hum aapke aur hamari tarah hi log hai bahar jo ki aapki care karte hain. They are working extremely hard for you. For team outside. For makers. Wow. For me, and for the team outside, thank you so much. Don't show my things for my son, please. That's already gone. This is live. Laura, I'm very glad you've come because I get a perspective as well. Because when protest karne jaate hain, to sab aise yahan karo. The makers that we are talking about. Yeah, because as if I was fighting for myself. Exactly. So Chetan bhai, wo gym mein hoga, usne nahi dekha. Chetan bhai, wo gym mein hoga, usne nahi dekha. वो जिम में होगा, उसने नहीं देखा होगा चेतन भाई। अरे जिम्मा ऐसे छोकरो, इट्स ओके He knows this is not you. There are so many things that have happened today. और आज मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। Okay? Sorry. I also have a personal fucking life. All right, can we see the next, please? Oh, sir, I'm coming. If I don't want my legs are fucking become dirty with that randal fucking chappal. Sir, huh? Storage unit. Me. आ रहा हूँ मैं. अच्छा देखिए जा. Man, shoot. क्या तुम लोग को बुला के थक गया यार? हजार तुमको उस दिन मैंने बोला नहीं था क्या? कि गला दुख रहा है. तुमको समझ में नहीं आता है क्या? बोला है मैंने. तो क्या हुआ? क्यों नहीं दिया मेरे को? मजा समझा तुमने? फकिंग ये सब हाथ में सब रैश फैश हो रहे हैं. चूतिया सा भेज दिया तुमने. भेजते हैं आपके लिए कुछ करते हैं. क्या मजाक है क्या ये सब? नहीं. ये क्या है? ये मस्किटो बाइट है क्या? ये क्या है? ये एक लाइन में पूरा क्या है वो? And we just calm down, okay? Seriously. तब से बोल रहा हूं गला इतना दुखा है, मूव नहीं कर पा रहा हूं. एक डिसेंट सा पिलो, मेरे साइज का पिलो तो भेजो. बिल्कुल बोलते हैं अभी हम. आपका सूज वो छोटा हो रहा है क्या आपको? अरे इतना छोटा शू इतने टाइम से भेज रहे हैं.
क्या बोलोगे तुम लोग यार? और वो लड़की इतना बीपी कम है कब से? देखो सर, आपको जब बुलाएंगे आप नहीं आएंगे ना, तो मैं एक दो चार कैमरा तोड़कर यहां से निकल जाऊंगा। जब आपको बुलाते हैं इमीडिएटली आना चाहिए कोई। क्यों बुलाया मेरे को यहां पे? तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये शो बनाया है तो उन सब कुछ साइज वाइज लन का साइज भी ले लिया इन लोगों ने, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब? और ए मेरा सिगरेट का पैकेट भेज। चुके चेतन भाई, ही इज अ डॉक्टर मैन। आई एम एन एसोल ब्रो, नथिंग एल्स आई कैन से नाउ। Where's the doctor? Aye. Sorry, Bhaijan. This protocol, I'm sorry. Chetan bhai, this guy, this man over here, has saved lives. Okay? I'm sorry, man. He's not a chutia. Arre, I know, yaar. I'm really sorry, man. I don't know what else to say. Aap apna size dekho, aur aap inko dekho. It's not about the size. I was just in a fit of. I asked him that day also, please kuch to bhejo, yaar. Sir, Chetan bhai ki taraf se, is lockup ke har contestant ki taraf se, hamare production house ke sare members ki taraf se, aur is show ke har ek audience, har ek viewer ki taraf se, main aapse haath jod ke maafi mangta hoon. Aise koi baat nahi. Main bhi maafi mangta hoon. Aapke sath jo sulook kiya gaya, वो हम नहीं अप्रिशिएट करते, एंड प्लीज हमें माफ कीजिए। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे सर, ओके ओके, हमारी बात नहीं है, हम हो जाता है कभी-कभी। हमारे हिसाब से आप एक वॉरियर हैं और हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि जब भी आपको बोला जाता है इन लोगों की तबीयत ठीक करने के लिए आप आते हैं। बिल्कुल। और ये मत समझिएगा कि ये आई एम जस्ट वेरी वेरी सॉरी। चेतन भाई, ये ना आपकी एक रिस्पेक्ट है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं बहुत बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे बात करते हैं, हम लोग इज्जत देते हैं। लेकिन अगर हमारे किसी एम्प्लॉय को या हमारे, और वो कोई ऐसा वैसा एम्प्लॉय नहीं है, वो डॉक्टर है, वो पढ़ लिख के कुछ करके डॉक्टर बना। आई नो करण, आई एम अगेन सेइंग दैट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। द अमाउंट ऑफ आउटरेज दैट हैज हैपेंड टुडे इज द रीजन व्हाई आई हैव बीन कॉल्ड हियर। इसके लिए तो चलो, यू अपोलोजाइज, वी अपोलोजाइज, एंड यू नो थिंग्स हैपन, बट देर आर सर्टन थिंग्स जिनके लिए आप अपोलोजाइज नहीं कर सकते हो। Chetan bhai, and this is where shit gets real. Please watch this. Idhar sun rahe the, main aaya tha main. Yeah, we came there. Hum aaye the. I came there. Main to khade the. Main bahar aayi thi wahan pe. Main aur Shivam. Chutiya halkat. What did you say? Uski galti nahi hai yaar. Mother chot. Uski galti nahi hai Chetan. Are fuck him yaar. I don't care a fuck chutiya. आया वो, आई एम सॉरी सर, आपको लगा है चूत, आपके जूते आपके फिट नहीं हो रहे। मेरे को डॉक्टर आके पूछा जूते फिट नहीं हो रहे, डम एस लूजर। सॉरी मैन, आई डोंट नो, टुडे इज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ आई गेस। डज एनीबॉडी अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन? आई डू, आई मीन इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट्स अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, जिसका मतलब ये है कि आपको बेल तक नहीं मिलेगी। दिस इज फक्ड अप। इज अ नॉन बेल, वंस ही गेट्स अरेस्टेड देन द बेल एप्लीकेशन। व्हेन यू यूज दैट वर्ड, आई डिडंट नो, डिस्क्राइबिंग अ कम्युनिटी। नो, आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो, आई वुड, कम ऑन करण, आई वुड नेवर, आई डिडंट इवन नो दैट। व्हाई विल आई इवन से दैट इफ आई न्यू दैट? यू कैन नॉट से दिस word even if you do not know, aur apology se nahi chalti hai bahar cheeze, sort nahi hoti hai, aur is wajah se aaj main yahan par is waqt pe aaya hu, because this
is something that is unacceptable. What about the community that you address to is watching the show? I didn't know, Karan. I would never use it. Yeah. The fact is that you have. I did. So, आपके पास एक मिनट है. आप सबसे मिल लीजिए. And I'm taking you with me. Guys, make sure that we do not discuss this topic because. Hey, sir. All the best, sir. I have a question for you. All the best, okay? All the best. Chetan bro, bye. Take care. Chalo, chalo, let's go. Sab. Chetan, you didn't say bye. Chetan, bye, Marsu. Bye, Chetan. You didn't say bye, Chetan. Thank you. Chetan, bye, sorry, bye. Apne baar Marsu. You be strong, okay? You be strong, bro. Oh my God. आपने इनकी हरकतें तो देख ली, आइए अब इनसे बात करते हैं। ये तो कल रात को आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि मैं आप लोगों को इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल, बिगड़े हुए हाई मेंटेनेंस बदतमीज सेलिब्रिटीज क्यों कहती हूं। देखिए, एक तो आप लोगों को ना कुछ रियलिटी चेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इसे अत्याचारी जेल ज़रूर कहते हैं, लेकिन ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि इवेंचुअली ये एक शो है और आप लोग जो हैं कलाकार हैं, जैसे कि मैं हूँ। मेरा काम कुछ और रहता होगा, लेकिन जिस तरह से शो का नेचर है, मेरा बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसके लिए मुझे रिम्यूनरेशन मिला हुआ है, जैसे कि आप लोगों को हर एक को उनकी मुँह मांगी कीमत दी गई है। तो ये जो आप लोगों का एटीट्यूड बना हुआ है ना कि जैसे एहसान जताया जा रहा है, सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड चेंज करो। कोई यहां पे किसी के लिए एहसान नहीं कर रहा है। आप लोग अपनी मर्जी से यहां पे हैं और मर मर के डूब डूब के आए हो। बदतमीजियां मैंने पहले से ही कहा है कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ना मेरे जेलर के साथ और ना मेरे गार्ड्स के साथ। और फिर भी रात को आप लोगों ने हर हद पार कर दी। और ये जो नंबर वन शो का जो आप लोगों के दिमाग में चढ़ गया है ना कि जैसे पता नहीं कौन सा एहसान किसी पे कर दिया है, तो प्लीज रिमेंबर कि बाहर 35 खड़े हुए हैं और जो भी 5-6 लोग गए हैं यहां से, अब तक 3-4 जितने भी लोग गए हैं, उनके जाने से यहां पर क्या चेंज आया है? कुछ चेंज आया है क्या? आपको लगता है कुछ चेंज आया है? शायशा कम आउट, करणवीर कम आउट, शिवम तुम दो दो दूध के पैकेट पी जाते हो, अब हमारी ड्यूटी है क्या सबको बताने के लिए कि दूध ये पी गया सारा? मुनव्वर तुम लोग अपना राशन नहीं, लगता है तुम लोगों को बड़ा बिगाड़ा हुआ है घर वालों ने, तुम लोग अपना राशन खुद नहीं मैनेज कर पाते हो कि यहां पे तुम लोगों के चाचा की शादी है क्या? पायल तुम आटा गूंथती हो, आधे से ज्यादा आटा तुम फेंक देती हो। निशा आप लोग अपना कुछ मैनेज नहीं कर पाते हो राशन, और आप लोग मेकर्स को ब्लेम करते हैं। आप लोगों को इस जगह के रूल्स पहले ही बताए गए थे और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से एक इंसान जीता है और जीना चाहिए उस हिसाब से कोई भी कमी है यहां पे। और बाकी ये तो शो है, यहां पे टाइम पास के लिए तो कोई भी नहीं आया है और टाइम पास तो हमें भी नहीं करना है। शायशा, यस, जब आपको अपने लिए खड़े होना होता है तब आपके मुंह में जबान नहीं होती। आप ऐसा सोचते हैं कि निशा आपको खड़े होकर डिफेंड करे, और जब वो डिफेंड भी करती है देन यू थ्रो हर अंडर द बस। और जब ऐसी बदतमीजियां करनी होती है ना, आपने स्मोकिंग करके कितना ड्रामा किया, चिल्लम चिल्ली की, हमारे गार्ड्स को गालियां दी। मैंने गार्ड्स को गालियां नहीं दी थी, शो को गालियां दी थी। मैंने गाली एक भी यूज नहीं की थी। आपने शो को गाली दी थी, तो मैं जस्टिफिकेशन, जो इंग्लिश में होती है वो गालियां नहीं होती। ठीक है, मैं जस्टिफिकेशन देने को तैयार हूँ। लेट मी टेल यू, आपने कल रात को जो लिपस्टिक से लिखा, तो अगर अंग्रेजी में हो तो वो गाली नहीं है। नहीं, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, बट आई नीड टू बी गिवन अ जस्टिफिकेशन एंड नो वन कैन टॉक डिसरिस्पेक्टफुली टू मी, इट्स एज सिंपल एज दैट। आपने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मुझे भी अंदाजा है कि मैं क्या करने आई हूँ और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और मुझे यहाँ क्यों रहना है और मुझे यहाँ कहाँ तक जाना है,
ये मुझे भी पता है कंगना जी, मैं जब आप बताने का मौका देंगे मैं बताऊंगी. इट्स देयर इज नो सच थिंग दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू और एनीवन, बट जब मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया गया था तब मुझे, मैं मेकर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली उनका नाम नहीं ले सकती बिकॉज उसकी परमिशन नहीं है एंड आई डोंट थिंक दैट्स राइट ईदर. जब मुझे अप्रोच, एंड अगेन दिस इज नो एक्यूजेशन, आई एम जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ यू, बिकॉज मुझे वही कल भी चाहिए था और वही मुझे थर्ड डे भी चाहिए था कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जिसके साथ मैं बात करूं और मेरी जो भी डाउट्स है वो अगर एक बार क्लियर हो जाए तो मैं ये आगे न करूं. इसलिए जब करण आए, उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए. आई टुक अ स्टैंड दैट आई वॉज रॉन्ग, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक्स एंड आई अपोलोजाइज. आपको भी पता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल इंसान हूं. जब मेरी गलती होती है मैं मानती हूं कि मेरी गलती हुई है. नाउ गेटिंग बैक टू व्हाट हैपेंड, मुझे ये बताया गया था कि इस शो में खाने पीने के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी और ये भी कहा गया था कि टास्क वास्क में खाने के ऊपर कुछ नहीं होगा. फेयर इनफ, दिस इज वाई आई वॉज अपसेट कि मुझे झूठ बोला है. मैंने 1000 रियालिटी शोज नहीं किए तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है. एनी विच वेज, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे वैसा होने वाला है तो अगर मुझे बताया जाए, और मुझे नहीं, अभी मैं खड़ी हुई थी लेकिन सबको वो प्रॉब्लम्स थी. अभी सबको नहीं खड़ा रहना है तो वो उनकी लुकआउट है, मुझे खड़ा रहना था. अगर एक रिप्रेजेंटेटिव आता या आती, मुझे बताते कि ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसा रियलिटी शो है. लिसन टू मी, पहले तो आपके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की है, हमारे मेकर्स में से ना हमारे गार्ड्स ने आपके साथ बदतमीजी की है, ना जेलर ने आपके साथ बदतमीजी की, आपके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की है. नंबर टू, खाने की कोई कमी अंदर किसी को नहीं है, लेकिन जब रूल्स तोड़े जाते हैं तो किचन से कुछ सामान उठाए जाते हैं, जैसे कि चाय में चीनी, किसी की जरूरत है, किसी के लिए लग्जरी है. अंडरस्टैंड? नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो व्हेन करण केम एंड एक्सप्लेन्ड मी, किसी के लिए लग्जरी है, आई अंडरस्टैंड दैट, व्हिच इज व्हाई किसी को भूखा मारा जा रहा है अंदर. मैं वही बोल रही हूँ कि जब करण ने मुझे ये बात बताई और जिस तरीके से समझाई, मैं समझ गई और मैंने माफी मांगी क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती हुई. और जब भी इन 4 हफ्तों में मेरी गलती हुई है, मैंने माफी मांगी है. और आपने देखा है कि उसके आगे मैंने किसी को भी, ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको भी ये पता है. मुझे बस इस बात का बुरा लगा था कि अगर कोई रिप्रेजेंट, ओके यू कैन कंटिन्यू. मुझे नहीं पता, इट इज नाउ यू आर सेइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर सेंसिबल. यस, यू आर सेइंग दैट, बट इट इज यूजुअली आर्ग्यूएबल नाउ. अब ये बात का कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर. फेयर. और मैं आपको अभी इस चीज का मौका देती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि जैसे सच में ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं हम लोगों ने आप लोगों को बांध के रखा हुआ है. नहीं, क्या अगर हुआ आपको था, जाना है तो आप जा सकती हैं. तीसरे हफ्ते में जिस तरीके का हमको राशन आया था, वो राशन कम होता गया. और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही है, सबने कही थी. और अगर मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ बात करने के लिए तो आई एम श्योर ऑल ऑफ देम विल ऑल्सो अग्री. अगर बाकी किसी में हिम्मत नहीं है तो वो मेरी गलती नहीं है बात बताने की. और मैंने बहुत बार अच्छी तरीके से भी बात की है. आई हैव स्पोकन विद अ लॉट ऑफ लव एज वेल कि आई जस्ट वॉन्ट समवन टू कम एंड टॉक टू मी. कंगना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट हियर टू फाइट. इफ समवन कम्स टू मी और इवन इफ दे सेंड अ नोट, आई एम नॉट इवन सेइंग आई वॉन्ट टू टॉक टू समवन. इफ समवन सेंड्स मी अ रिटन नोट कि ऐसी सिचुएशन है, that's where I'm saying I'm sensible and responsible that I'll follow it after that. But if there is no one to give me a reply, it's my fundamental right to have a reply. Shasha, आप क्या, आप dummy हो क्या? क्या हो? आप dummy हो क्या? आपको क्या कोई ना कोई चाहिए क्या navigation के लिए? आपको हमेशा कोई चाहिए कि अब आपको बताए कि आपको क्या सोचना चाहिए, आपको क्या परखना चाहिए? क्या लेकिन contract sign करने के पहले अगर मुझे कुछ बात बताई गई थी तो मेरी ये right है कि मुझे बात करके ये पता करने की कि अगर उन्होंने ऐसे बोला था तो why is it that this has changed once I'm entering the show? आपको पता चलता है ना हमेशा कि rules break करने पे ही चीजें आपसे छीनी जाती है. तो रूल्स ब्रेक करने पर गार्ड्स आके चीजें ले जा रहे थे, तब मैंने कुछ नहीं बोला. आई वॉज कंप्लीटली ओके व्हेन दे वर टेकिंग द एग्स एंड टेकिंग द दूध. मेरा प्रॉब्लम इस चीज से था कि जो रेशन आ रहा था वो भी कम होता जा रहा था. अगर हम गलतियां करें, आप लो हमारा मेकअप, लो हमारा दूध, लो हमारा आटा, लो. इवन व्हेन द टास्क वेयर पायल टुक द चीनी, आई वॉज लाइक फाइन, दैट वॉज द टास्क, शी टुक द चीनी, वील डील विथ इट. बट सॉल्ट, बट जो
एक लिमिटेड रिसोर्स हमको दिया था वो भी कम हो रहा था. सी कंगना, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, यू नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस इफ इट इज नॉट समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन. मैं यहाँ फोकट के झगड़े वगड़े करती नहीं हूँ. ऑन द कॉन्ट्री, मेरे कंटेस्टेंट्स के साथ गिन के झगड़े हुए हैं, एंड इवन विद द गार्ड्स एंड द जेलर इट्स हैपेंड वंस फॉर द चाय एंड द सेकेंड टाइम फॉर द फूड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. I and the, in that sense, I'm saying I'm responsible and I'm sensible, and each and every one here will agree that I am responsible. Sensibility, ek individual decision hai. Main sochti hu, main hu. Shayad ye sab nahi sochte hai. But responsible, I'm sorry, you cannot argue with that, and none of them can argue with that either. I think you are most irresponsible. और आपका गेम भी इम्प्रूव नहीं हुआ है. आप बिल्कुल स्टेग्नेट हो चुके हैं जेल में. आपका गेम कहीं भी नहीं जा रहा है. Let fine. me tell you that. That's fine. I take okay. your advice. और और उसके लिए जो आप अपने दूसरे टेंट्रम दिखाने की कोशिश करके और अपने आप को ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिखाने की कोशिश जो कर रहे हैं, that is also not working. Fine. I mean, if you want me to apologize for what I did, I'm not going to. Because I don't think I did anything wrong by asking for my right. नहीं, which तुम्हारी apology से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला. हाँ, तो तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं वो दे दूँगी. नहीं. मुझे तुम्हारे अपॉलजी नहीं चाहिए. She can't call me whatever she wants. It's not right. I am talking very respectfully from day one till now. If I've made a mistake, there is a way to put it across as well. So you want me to put across according to you? Yes, because if there are the contestants, only then there is the host, and if there is the host, only then there are the contestants. There are 50 it's other contestants a, so you who can get be them. Here. You can get them. So you now. Can get lost. I can very easily. So please go. Where do you tell me? I'll leave right now. Yes, leave right now. I'll go. I don't care. I'm sorry. I'm not leaving. If she is evicting me, only then I'm going to go. I don't want to leave the show. She is evicting me. There's a difference. ये बात आप सबको पहले ही बता दी गई है कि यहाँ पे decision मैं लूँगी. और अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा, तो then I am going to decide. यहां पे आप लोगों को किसी ने भी जबरदस्ती नहीं रखा है. ये चॉइस हर एक कैदी के पास है कि वो चाहें तो जा सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो प्लीज बदतमीजी ना गार्ड्स के साथ कीजिए, ना मेरे साथ और ना ही जेलर के साथ. जहां भी मैंने मेरी गलती हुई है पूरे शो में, मैंने हर टाइम माफी मांगी है. दूसरों की तरह अकड़ नहीं दिखाई है. आई हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल. If not sensible, that's a subjective opinion. But anyways, मुझे बात ही नहीं करनी. करण, आपको पता है कि आपकी आग लगाने से चेतन ने कितने बड़े ड्रामे किए, और वो इस हद तक पहुंच गया था कि वो डॉक्टर्स पे ऑलमोस्ट हाथ उठाने वाला था. डॉक्टर जो कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं. वो मैंने आग जानबूझ के नहीं लगाई थी, बिकॉज मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूँ. वो हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे मुंह से मजाक से निकल गया, और उस बात के लिए आई एम वेरी सॉरी. आई एम जेन्युइनली वेरी. आई एम बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो लोगों को ऐसे डिसइक्वालिटी से देखो या अनइक्वालिटी से देखो. मैं तो वो गलती से मुंह से निकल गया. ये हीट ऑफ द मोमेंट था, और आप सब लोग एक साथ होके मेकर्स के खिलाफ, जिस शो ने आप लोगों को एक ग्राउंड दिया है, आप लोगों को एक मौका दिया है. करण, तुम तो खुद कहते हो कि आपका एक आखिरी मौका है. लेकिन ये बात सही है कि पिछले हफ्ते जो राशन आया था, हम एक्चुअली फ्रस्ट्रेट इसी वजह से हुए थे कि सैटरडे के दिन सिर्फ 10 लोग बचे हुए थे, और राशन 10 लोगों के हिसाब से आया, उससे भी कम आया. मुझे बताइए, आपने डॉक्टर्स के साथ क्यों बदतमीजी की? उनका तो इस शो से कुछ लेना देना है भी नहीं. वो आप लोगों की हेल्प के लिए आए थे, क्योंकि आप लोगों ने चेकअप जो है कि उसकी डिमांड की थी. नहीं, मेरे तो आप लोगों ने उनको बुली किया, और चेतन तो इस हद तक बढ़ गया कि वो उस पर हाथ उठाने वाला था. वो देखिए कंगना, वो मेरे भड़काने से नहीं हुआ है. मेरा एक शब्द था जो मैंने अभी भी कह रहा हूँ, जो मैंने बोला है वो सही नहीं बोला. आई विल कीप दैट इन माइंड. बट चेतन इज इज ओन इंडिविजुअल. उसको जैसे हमने कितनी कंट्रोल करने की कोशिश की, मत कर, मत बोल, ये वो, ऐसा मत कर. बट इफ ही हैज टू डू समथिंग, ही हैज टू डू समथिंग. इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या कर सकते हो? आपने क्या नहीं है जो नहीं किया? कल सबसे ज्यादा अगर किसी ने कैदीज को भड़काया है और किसी ने आग लगाई है, तो करण वो तुम हो. और ऐसा व्हाई यू डिड दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम खुद कहते हो तुम्हारा एक आखिरी मौका है.
If I feel something, Kangana, मुझे नहीं लगता कि आग लगाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक थोड़ा सा नमक कम हुआ खाने में और तुम्हारी ये दशा हो गई। नौ नौ दिन के नवरात्रि के व्रत होते हैं, मुझे इतने ज़्यादा उपवास, कंगना, मुझे उपवास करना तो हिंदू धर्म का सबसे मोस्ट बेसिक रिचुअल होता है। क्यों तुम्हारी ये हालत हो गई? आधे दिन का नमक नहीं मिला तो तुम्हारा सब निकल के बाहर आ गया। कहाँ गया तुम्हारा संयम, कहाँ गया तुम्हारा विल पावर, जो भी तुम लोग यहाँ पे तमाशे कर रहे हो ना। यू गाइज आर रिवीलिंग अ लॉट अबाउट योर सेल्फ। और मेरे साथ जो बदतमीजी करेगा ना वो भी इमीडिएटली आउट होगा, समझे? मेरे साथ कभी कोई बदतमीजी मत करना। आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं किया कंगना, वी वर जस्ट के खाना और राशन कम आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। मेकर्स के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करेगा। वी ऑल देखो, हम जो भी करते हैं हम रूल बिल्कुल ब्रेक नहीं करके तब जाके हम स्टैंड लेते, चाहे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आई वुड नेवर ब्रेक अ रूल टू पुट माई स्टैंड अक्रॉस, आई वुड नॉट। बट येस द फैक्ट इज दिस के खाना, आप वो भी बात जो कह रहे हैं सही है कि हम व्रत करते हैं, वो संयम कहाँ है, वो सहनशीलता कहाँ है, बट नहीं है आदत। आई एम सॉरी, वो आदत नहीं है। वो आदत बनेगी नहीं बनेगी मुझे पता नहीं, बट एट दिस पॉइंट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नॉट गेट द राशन दैट वी वर वांटिंग। दैट डजंट गिव यू द राइट टू इंस्टिगेट अदर्स। दूसरों के कंधे पर रख के बदू, आपने उसको तो कल के कल ही आउट करवा दिया आधी रात को। और अगर उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन पे हाथ उठा के मारपीट कर दी होती तो? अरे वो वैसे भी नाराज थे, बिकॉज उनका मेन उनका मुद्दा खाना नहीं था, उनका मुद्दा डॉक्टर ही था कि डॉक्टर 24/7 होना चाहिए। सो आई डोंट बिलीव के मेरे एक वर्ड से वो इंस्टिग्यूट हुआ। यस, वो एक वर्ड से मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, बिकॉज आई नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीबडी एंड स्पेशली फ्रंट लाइन वॉरियर्स, गार्ड्स। और आप कोई भी लोग ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि आप लोग एक शो में हैं, आप लोग एक शो में आए हैं, आप लोग परफॉर्मर्स हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। हर एक शो का एक अपना नेचर होता है, जैसे हमारी फिल्में होती हैं, कहीं कहीं में हम लोग जाके वॉर लड़ते हैं, कहीं में हम लोग इंस्पेक्टर बने होते हैं, कहीं में हाउसवाइफ बने होते हैं। हर एक फिल्म का एक अपना ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अपना मिलियू होता है और अपना बैकड्रॉप होता है। किसी में हमें सोर्ड फाइट्स करने पड़ते हैं तो किसी में ताइक्वांडो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो उसमें होता ही है हर एक चीज़ में। तो इस चीज में जो अत्याचारी जेल है, यहां पे आप लोग कैदीज हैं, लेकिन इवेंचुअली है तो शो ही, जैसा मैं अभी शो होस्ट कर रही हूं। और मेरा ये ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को बोलूं, नहीं तो यहां पे तो आप लोग अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, किसी पे हमला नहीं कर सकते और ना ही करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो शायशा, यू हैव 2 मिनट्स, आप सबके साथ में बात कर लीजिए एंड यू कैन लीव। कंगना, प्लीज गिव हर अ चांस, प्लीज। शी डिडंट, इट वाज अगेन अ फिट ऑफ रेज फॉर अ प्लीज, शी इज नॉट दैट काइंड, प्लीज। आई मीन, एक बार मैं बात कर सकता हूँ या कोई मुनावर, इफ यू विद योर परमिशन, इफ यू विद योर परमिशन प्लीज। सी करण, मेरे साथ 3 से 4 बार आप लोगों ने बदतमीजी कर दी है, ठीक है? एंड दिस इज नॉट माय प्लेस, आई एम आल्सो डूइंग माय वर्क। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो गलत था जो उन्होंने किया, but she is not that kind. Now what do you expect from me? Not to host? हम हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, साइशा कल हम बात कर रहे थे, you are fantastic, genuinely. मुझे मेरे को मुझे आपकी तारीफ की validation नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कि जो तारीफ नहीं कर रहा, जो इस शो को सक्सेसफुल बनाए, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वॉन्ट दिस शो टू कम्प्लीटली गेट शट और समथिंग लाइक दैट। हम लोगों को वी हैव टू स्टे इन आवर लिमिट्स। Kangana, may I speak? Yes, sir. So, I understand absolutely from the maker's point of view and the show, and I was really upset with the whole thing was happening in the house. And what Saisha did, I understand her reaction was on top of the line, and it's not justifying her actions. If you want to punish her, please punish her for her action, that she's going to understand. She but already see, knows. Kangana, again, yes. I cannot force anyone. She has said she wants to leave and she can leave. Munawar, what were you saying? एक बार उससे अगर बात कर ले, if she ready to apologize or something, one chance type का कुछ. No, but she said she wants to leave. Yeah, I agree. See, as long as you don't want this opportunity, you don't respect this platform, I cannot even, I mean, there's nothing to say anymore. But exactly same time I मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रात को इसी बात की हुई कि ये जो एहसान जताया जा रहा है, और मुझे यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए जो इस बीमारी को फैलाए आप लोगों में, समझे? क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, किसी को भी यहाँ जबरदस्ती नहीं रखा जा रहा है।
आप लोग अपनी मर्जी से आए हैं और डूब डूब के आए हैं, और बाहर और भी हैं जो आना चाहते हैं और आ रहे हैं. यू विल हैव मोर एंट्रीज इन कमिंग वीक हियर. तो ये एटीट्यूड क्यों है और कहां से आ रहा है ये एटीट्यूड कि हम चले जाएंगे, शो बंद करवा देंगे, हम बगावत कर देंगे, ये है वो है. तो चले जाओ, आप लोगों को कोई रोक ही नहीं रहा है. तो अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज साइशा डजंट वांट टू स्टे हियर, सबसे पहले तो मैं आई कांट होस्ट द वे शी वांट्स मी टू होस्ट. शी कैन स्टैंड देयर एंड से व्हाटएवर शी वांट्स. आई एम सॉरी, नो रिस्पेक्ट, नो डिग्निटी, नथिंग. एवरीवन मेक्स मिस्टेक, बट वी डोंट, आई डोंट टॉक लाइक दैट टू एवरीवन, एंड आई डोंट deserve to be treated this way by anyone. मैं किसी कैदी के हिसाब से नहीं बोलूंगी जो मुझे बोलना है. और कोई आप लोगों में से कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है एक there is a way to put the things across. What is the way to put things across to her? जो हर कल उन्होंने इतनी भद्दी गालियां लिख दी मिरर्स पे मेकर्स के लिए, गार्ड्स के लिए, और अगर आधा घंटा इनका स्मोक नहीं कर पाती है तो पागल हो जाती है. So my point is, if she doesn't want to stay, why do you guys want to force her to stay? Not force, but शायद एक chance के उसको समझ में आए. We'll just try once. को इस शो में रहना है. We'll just try once. उन्होंने कल भी बार-बार repeat किया था. मुझे भी यही problem है. You understand? तुम सब को इस शो में रहना है. तो सब के सब नौटंकी क्यों कर रहे थे रात को? यही तो main crux of the problem is this. उसको भी रहना है, तुम सबको भी रहना है. लेकिन नौटंकी तो हो रही थी ना रात को 12 बजे. करण को बुलाना पड़ा यहां पे, इतने तमाशे हो गए थे. क्यों तुम लोग डिसऑनेस्ट बन रहे हो? किसी और रियलिटी शो में जाके तुम लोगों ने किया ये सब? करण तुम कहते हो तुम इतने सारे रियलिटी शोज करते हो, तुमने की है बदतमीजी कहीं और? नहीं. तो फिर यहां पे क्यों कर रहे हो तुम? यहां पे क्यों फैल रहे हो? फिर सबको फैलने को मिला हुआ है क्या यहां पे? जिसको रहना है ना उसमें यहां पे आके बताओ कि रहना है मुझे यहां पे. दिस इज द चांस ऑफ माय लाइफ. नौटंकी मत करो, खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो. देयर इज अ वे टू पुट थिंग्स अक्रॉस. व्हाई व्हाई शुड आई से द थिंग्स द वे शी वांट्स मी टू से? ओके, आई विल बी बैक. भाई हां, एक सेकंड. मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ. मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ. सॉरी मत बोल, सॉरी मत बोल. तू सॉरी जो तूने कल किया उसके लिए तुझे प्रॉब्लम है, तू उसके लिए सॉरी नहीं बोलेगी. सुन, लिसन, ये शो तेरे लिए ज़रूरी है और यहाँ पे तू बहुत चीज़ें कर सकती है. डैमेज करके मत जा, डैमेज करके रिपेयर करके जा. गलती की है, सुधार या भुगत. अब तेरे को बाहर जाके भुगतना. मुन्ना मैं क्या करूं? मैंने सॉरी बोला, मैंने बोला कि मेरी गलती थी. उसके आगे भी अगर मुझे पॉइंट किया जाए, चाकू से ऐसे ऐसे किया जाए. सुन, झुकता वो है जिसमें जान होती है. अकड़ना मुर्दों की फितरत. मुझे नहीं अकड़ना है, तुझे पता है. मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार. अभी मेरी बात सुन, अभी मेरी बात सुन. ये हजरत अली की हदीस है और ये जिंदगी में बहुत काम आती है. तू चल वहां पे बैठ. कंगना, व्हाटएवर आई सेड, गुस्से में बोल दिया जो है, प्लीज खत्म. आई मेक श्योर मुझसे ये ना हो. ओके, ठीक है. रोना पहले, रोना एकदम होकर नॉर्मल, ठीक है. साइशा, सो यू हैव 2 मिनट्स. यू कैन से बाय टू एवरीवन. आई नेवर थॉट यू विल गो सो सून. मुझे कभी लगा नहीं था आप इतने जल्दी जाएंगे. और जो भी यहाँ पे कैदी हैं उनमें से आप मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करोगे और इतने गंदे से पेश आओगे, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था. लेकिन आई थिंक आपके कुछ रीजंस होंगे. मैं कुछ कहिए. थैंक यू. आई वेरी मच वांट टू बी ऑन द शो, आपको भी पता है. दैट्स नॉट इनफ. आई नो. एंड जब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या होने वाला है. I have no right to disrespect anyone, let alone someone who is hosting the show and someone who is telling things for my benefit. If you accept my apology, I would really want you to let me stay and give me one more chance. And I will prove it to you that Saisha, listen to me.
हाँ कल रात को भी बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी आई नो और हमको चेतन को निकालना पड़ा आई नो जबकि ऐसा कोई हमारा ना इरादा था और ना ही मंशा थी और ना ही वो वक्त था किसी को रात के 12-1 बजे निकाला जाए और अभी भी जैसा आपने जिस तरह से बर्ताव किया है ये बात बिल्कुल सच है कि आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के बाद मैं करण पे मूव ऑन हो रही थी लेकिन 3-4 बार आपने बिना मतलब के मुझ पे जो अटैक्स किए एंड आई एम सॉरी फॉर दैट ठीक है वो जिंदगी में हमें हर चीज़ हर बार अपने आप को रिडीम करने का मौका नहीं मिलता है तो आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी प्लीज डोंट डू दिस आपको इस वक्त पे इस तरह जबकि मुझे लगा नहीं था कभी जाना पड़ेगा लेकिन जाना पड़ेगा पर मैं मेरे साथ बदतमीजी कभी मत करना ये वार्निंग सबके लिए है और आने वाले हर सीजन के कंटेस्टेंट्स के लिए भी प्लीज से बाय टू एवरीवन एंड लीव टेक केयर आई एम सेइंग आई एम सॉरी I also apologize. I'm sorry, Kangana. On her behalf, please. Just give me one more chance. Shaisha, take your bags and leave. कल रात को भी आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी. I always say, हमेशा जो मांगो, जो सोचो, समझ के सोचो, because it might just come true. And now it has come true. You can leave. Please, we have to proceed with the show. Okay, I respect your decision. All the best. Thank you, Kangana. I can't help it. I made a mistake and this is the price I have to pay, I guess. I'll be back. Oh God, I can't believe. It's okay, what do I do? It's okay. You're telling me never react the way you reacted. I am apologizing now. What do? Beyond this, it's not in my hands. Oh God. I'm sorry, Kush. I know. I don't want to go either, but I don't have a choice now. तू ही रिक्वेस्ट कर सब भी बोलेंगे Hi guys. No. Saishu, Saishu, wait na. Please, एक बारी बात करना. बाहर जाके बोलना सुन. बाहर जाके बोल. Meet her. एक बार बोलना बाहर जाके. Yeah. बाहर जाके बोल. See, I need a chance to meet her. एक बार मिल के बात करना, ठीक है? Saishu. God bless you, Mahadev. सब अपनी जगहों पे वापस आ जाइए वंदना एंड अजमा यस वेलकम टू माई लॉकअप थैंक यू मैम वंदना आप जैसे ही लॉकअप में आई तो एक जो कहते हैं ना ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर
थैंक यू. एंड आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आती हैं. थैंक यू. आपको पता है कि यू हैव कम हेयर टू विन. एंड आपने बड़ा श्रूड एंड बड़ा वाइज डिसीजन लिया. थैंक यू. यू वॉन्ट टू बी इन टीम राइट. थैंक यू. लेकिन जो मूव्स थे वो बड़े प्रिडिक्टेबल थे. आप भी वही सबकी तरह पायल के अगेंस्ट यू फाउंड अ वेरी कन्वीनियंट एनिमी इन पायल. नहीं एक्चुअली दैट्स इट्स नॉट ट्रू कंगना मैम. आई टेल यू समथिंग. मैं जब ये शो के आके पहले आई वॉच द बिट्स एंड पार्ट्स एंड व्हाट आई सॉ वाज रिमाइंडिंग मी माय सिचुएशन इन प्रीवियस रियलिटी शो दैट आई हैव डन. एंड आई सेड okay hold on, this is either her game plan or actually these people are really nasty that they living their life for her hell, right? So anyways, saw the things, came to the house, and I wanted to actually be in her team. And the first day I wanted to talk to her and I wanted to be like, listen, you're strong, but I don't know what's your game plan, tell me something. So she said, you know what, ye ho raha hai, wo ho raha hai, please come to my team. I'm missing someone who people gonna listen to, and please take the captain or whatever tag is. नहीं आप जो भी आप उन पे अगर कोई इल्जाम भी जैसे आप कुछ बात भी कहते हैं चाहे उनको या निशा को तो I think कि आप you start off well लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप उस you can't see it through. उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा entertaining अभी तो अजमा बहुत आपने आते ही you completely dived into it and I और आपको सब देखना बहुत पसंद कर रहे हैं. सच्ची? Yes, I won't lie. और मुझे आपको देख के अच्छा लग रहा है आज. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू. तो आपने जिस तरह से शो को समझा है आते ही कोई वक्त ना वेस्ट करते हुए सीधा कम टू द पॉइंट जो आप पहुंची हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और मेरे साथ बाकी सबको भी एक अलग सा एक आपने माहौल अच्छा बना दिया है. वाइब्रेंट हो गया है माहौल विच आई थिंक इज क्वाइट एंटरटेनिंग. थैंक यू फॉर एवरीवन. और आपने कुछ वेरी अनपॉपुलर कैंडिडेट्स को आते ही सबसे पहले सपोर्ट किया. जो छाया हुआ है और जिसको सबने उठाया हुआ है उसके नीचे तो चलो ठीक है कोई भी हाथ लगा देता है क्योंकि उसको ऑलरेडी उठाया हुआ. लेकिन जो लोग गिरे हुए हैं उनको उठाना, उनको हाथ देना, उनको अपनाना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है. और उससे आपका कॉन्फिडेंस समझ आता है कि आप अपने आप में अपने व्यक्तित्व में कितना विश्वास रखती हैं. तो बहुत कॉन्फिडेंट यू आर कमिंग अक्रॉस. थैंक यू. निशा जी और अली जी. निशा आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट योर गेम दिस वीक. थैंक यू सो मच. इट मींस आपने जो है साइशा के लिए स्टैंड लिया जी. उन्होंने शी थ्रू अंडर द बस. उन्होंने आपकी जगह मुनव्वर का स्टैंड लिया लेकिन आपने उस चीज़ को अपने आप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट उसके बाद जब आप लोगों टास्क के बाद टेबल पर बैठे थे आपने उसके बारे में बात करना फिर भी शी शट यू अप जी. इनफैक्ट मुझे लगा कि कुछ लोग जो हैं वो अब निशा पे जबरदस्ती में हावी होने की कोशिश कर रहे हैं कि चुप रहो इसको बोलने नहीं देना है. तो आई थिंक यू गॉट रियली मूव्ड बाय दैट एंड यू हैड एन इमोशनल मेल्टडाउन कि मुझे बात नहीं किए जाने. ऑल्सो बिकॉज आई थिंक यू वर हर्ट बिकॉज ऑफ साइशा क्योंकि आप उनसे कुछ ज़्यादा ही इमोशनली इन्वॉल्व हो गई थी. तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने आप को इस कदर इमोशनली इन्वॉल्व मत करिए कि आपका गेम अफेक्ट होने लगे. एंड आई लाइक कि आप मैच्योर भी बिहेव करती हैं लेकिन जब मंदना ने आपका बिस्तर खराब किया जी. तो देन यू वर कम्प्लीटली फायरी और आपने अपने अपने उस सिचुएशन का वैसा अपने स्टाइल में ना हो आके कोई और स्टाइल में आपने उसका जवाब दिया है ना. जब कोई दूसरा जिस स्टाइल में लड़ाई करता है आपको तो उसी स्टाइल में करनी पड़ती है ना. अभी कोई कराटे खेल रहा है तो आपको भी वो टेक्निक आपको आजमानी पड़ेगी. तो मैंने देखा कि यू जंप्ड राइट इनटू द बैटलफील्ड और आपने अच्छे से उनका सामना किया विच इज़ कमेंडेबल. थैंक यू. लेकिन जब पायल पे ये लोग हावी हुए जी तो मैंने नहीं देखा कि अली ने आपने किसी ने भी उसकी उनकी हेल्प की हो. तो कंगना पायल पर एक बार हावी नहीं हुए हैं, कई बार हावी हुए हैं. जहाँ जहाँ मुझे लगा वहाँ वहाँ मैंने स्टैंड किया. जब आप लोग चकली एक्ट कर रहे थे तो इन लोगों ने जो है पायल को दो तीन लोगों ने मिलकर जकड़ लिया था. मैंने पायल को आप पूछ सकते हैं कम्प्लीटली सपोर्ट किया था. मैं पायल और मैं सिंक में थे क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था गेम में. तो मैंने देखा कि पायल, अंजलि और पूनम आपस में भिड़े हुए थे तो मैंने बीच में जाने की कोशिश की क्योंकि पहले मेरा मुद्दा था कि इसे स्टॉप किया जाए. पर कई लोगों को ये लगा कि मैं पायल की तरफ से बोल रही हूँ. मैंने बोला अगर पायल ने डिस्ट्रक्शन किया दैट इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज नाउ डिस्ट्रक्शन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द टास्क. समबडी एल्स इनिशिएटेड इट सो इट इज़ नॉट रॉन्ग इफ वी फिनिश इट. अली दैट वॉज माई पॉइंट.
अली तुम मुझे लग रहा है कि वो जो तुम्हें खैरात में मिली हुई सेफ्टी है ना उस पर बहुत उड़ रहे हो. तुम्हारा वही हिसाब है कि पहले करना नहीं करना तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल करना. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. आई थिंक वो जो चकली वाला जो टास्क हुआ था उसमें चकली के बाद आपने पायल का बेड वेड बिस्तरा विस्तरा सब उठा के बाहर फेंक दिया. वो मतलब उसको रहने का हक ही नहीं है अब. वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि जहाँ पे मैं बैठा था और किचन के पीछे जब वो थी और जिस मूड ऑफ थॉट्स पे वो थी तो है ना दो बर्निया थी वहाँ पे जिसके अंदर दाल था. तो जिस फ्रेम ऑफ माइंड और जिस गुस्से से उसने वो दाल फेंका तो ऑब्वियसली खाने की बेहद भी होगी. तो फिर मैं उस चीज पे रिएक्ट करूंगा. मैं हर चीज पे नहीं रिएक्ट करना चाहता हूँ. उसने फेंका नहीं था. झोल टास में नमक बैन किया. मैंने बाथरूम एक कर दिया. द एंटायर हाउस वेंट ऑन एंड ऑन विद मी. मेरे को अंदर जाने से रोका. मेरे साथ चक्री टास में फिजिकल होते हैं. उसके बाद फिर से मुझे अंदर जाने से रोकते फिजिकल होते हैं. मैंने दाल वेसल में डाली क्योंकि मैं दाल के बदले एक्सचेंज करना चाहती थी मेरा पूरा सामान जो बाहर आए. बट दिस फेलो अली चली गई ना. बट दैट इज नॉट माय फॉल्ट. ठीक है अली देखते हैं. थ्रो इट राइट. देखते हैं कब तक तुम्हारे पास ये उधार के पंख जो तुम्हें मिले हुए हैं ना कब तक तुम उधार के पंखों पे उड़ोगे. शिवम तुमने बड़े बम फोड़े इस हफ्ते. थैंक यू मैम. बड़ा अच्छा किया. थैंक यू मैम. इसी लाए गए ये लोग. मैं बोली बिल्कुल बैटर अत्याचारी खेल करूंगा. तुमने जो डब्बे तोड़े. Yes, ma'am. मुझे तो ठीक लगा. बिल्कुल हो सकता है किसी को ठीक ना लगा. बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग देखेंगे तो हो सकता है वो मेरी जजमेंट से सहमत ना हो. Yes, लेकिन मुझे ठीक लगा. देखो यहाँ पे हर कोई शाइन करने को आया है राइट. जिसको दिमाग दिया है वो दिमाग से शाइन करेगा और जिसको खुराफाती आइडियाज आए वो उससे शाइन करेगा है ना. तो शाइन तो करना ही है. हम क्यों बैठे. यस मैम. राइट. यस मैम. बिल्कुल सही. तो लगे रहना है. तुमको रुकना नहीं है. डोंट वरी मैम. अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगा मैं हर वक्त. टेंशन ना लो आप. मैं बैठा. लेकिन तुम्हारी एक चीज जो तुम्हें सुधारनी चाहिए के जो सारा है वो जब भी अपनी किसी मामले में होती हैं है ना उनको वो कहती रहती है कि मुझे बोलना है मुझे बोलने दो. तुम क्यों उसके स्पोक्स पर्सन बन गए हो. क्यों तुम उस पर हावी होते हो. और मुझे तो घुटन होती है देख के कि वो कितना मतलब तुम्हें कहती रहती है कि लेट मी स्पीक ये मेरा मामला है. वो तुम दोनों एक्सिस के बीच में बैठ के रेफरी बने होते हो. कभी तो खुद ही कूद जाते हो. व्हाट इज दिस. मैं कुछ बोलना चाहूंगा मैम. वो एक्चुअली क्या है इनकी उससे एक दिन पहले इनकी बात हुई थी बाहर. जो भी बात हुई थी एक घंटा बात हुई थी. और पर वो अली बार बार आकर एक ही चीज का मुद्दा बार बार उठाता है. और सारा एज अ फ्रेंड वो बहुत हर्ट होती है. लेकिन वो तो चाहती भी नहीं है कि आप बोले. अगर वो आपको ये हक दे तो ठीक है. लेकिन वो तो चाहती नहीं आपको. वो हमेशा रोकती रहती है. मैं आइंदा से मैम ध्यान रखूंगा जी. आज के बाद नहीं होगा. सॉरी. वैसे तुमने वो जो ऐसा लग रहा था जब इनका चकली टास्क लगा और जब तक तुमने आगे वो डब्बे तोड़े नहीं थे जी. तो ऐसे मुझे तो ऐसा लगे जैसे मैं चकली फैक्ट्री में पहुंच गई. मैं खुद मैम वो रितल मैं खुद ही बोर हो रहा था. मैं देख रहा हूँ ये चल क्या रहे. मैं ही बोर हो रहा हूँ. जनता क्या बोर हो. जनता तो पागल बंद ही कर देगी टीवी. तो मैं चाहता नहीं कि हमारा चैनल स्विच हो. तो थोड़ा मैं तबला बजा के आता हूँ डब्बों पे. वो ने भाई ने तो अन्न का अपमान कर दिया. फिर उसके बाद तो फिर मैं क्या ही बोलूँ. बाकी तो सब चीज़ें जनता ने देखी हैं. अंजलि पूनम. यस मैम. दिस वीक बिलोंग टू द गर्ल पावर. हाँ लड़कियों ने इस हफ्ते जो है लड़के सब जिसे कहते हैं ना कुड़ियों का है जमाना. तो हमें पता चला कि कुड़ियों का क्यों है जमाना. और लड़कियां छाई रही और लड़के थोड़ा सा पीछे रहे. लेकिन आप दोनों ने जिस तरह से यू बोथ केम आउट ऑफ द शैडो ऑफ योर लीडर्स एंड आपने अपना एक अपना दिमाग चलाया अपनी बुद्धि चलाई और यू गाइज आर कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर कैदीज. थैंक यू. लेकिन आप लोग अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों ने सब सीमाएं तोड़ी चकली टास्क के टाइम इतनी ज़्यादा बदतमीजी और इतनी ज़्यादा बेहूदगी. मैंने पहले भी बताया है मुनव्वर के टाइम पे जब मैंने कहा था आप लोगों को सिद्धार्थ का और शिवम का वो एक फिजिकल फाइट होने वाला था उस टाइम पे मैंने बहुत क्लियरली सबको बोला है कि कोई किसी को फिजिकली टच नहीं करेगा. नहीं करेगा. और कोई किसी का ये हक नहीं बनता है. अत्याचारी जेल में मैं भी आप लोगों को कभी फिजिकली टच नहीं करूंगी और ना ही मेरे कोई लोग आके आप लोगों को फिजिकली टच करेंगे ना मेरे गार्ड ना कोई. ये तो हमारी कोई डील है ही नहीं कि किसी को कोई फिजिकली टच करे. तो ये क्यों इस जेल में देखने को इतना मिल रहा है. और अंजलि तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज हो गई हो और तुमने पायल को पकड़ा और जब वो कह रही है कि मुझे छोड़ो तो तुम कह रही हो कि मैंने तो तुम्हें पकड़ा ही नहीं है. और ऊपर से पूनम आती हैं और पूनम उनके फेस पे ऐसी गंदी गंदी बेहूदगी भरी गालियाँ दे रही हैं उनके फेस पे. और पता है यू गाइज मेक हर लुक गुड क्योंकि उन्होंने अपना संयम नहीं तोड़ा.
उन्होंने जो है वो गालियां भी सही और लेकिन उन्होंने जो है अपनी जो भी सीमाएं या मर्यादाएं हैं वो नहीं तोड़ी। तो यही जो अत्याचारी जेल दिखाना चाहती थी जो कि पायल ने दिखाया। तो आपको पता है इस तरह के काम करके आप पायल को हीरो बना गए अपनी जो आपने बदमाशियां की। पायल हैज इमर्ज्ड एज द हीरो ऑफ दिस वीक, प्लीज नो दैट। वो आप लोगों की वजह से। तो ठीक है, अत्याचारी जो जेल है उसमें आप जो अत्याचार कर रहे हैं ये भी तो सोचो ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे। और पूनम तुम तो पूरा मतलब गुंडा, पूनम भाई तुम्हारा नाम रखना चाहिए, तुम तो पूरा गुंडा बन के घूमती हो। हाँ, और अंजलि तुम तो मतलब वही दादा बन के घूमती हो, जैसे मुंबई की दादा हो तुम। मैम नो, जब वो चल रहा था टास्क मैं किचन में थी उस टाइम पे, तब पायल वो डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। मैंने देखा कि वो बार बार डिस्ट्रॉय कर रही है टीम। अंजलि वट एवर इट इज, देखो पायल ने डिस्ट्रॉय किया तो उसने आपकी गेम न्यूट्रलाइज करी ना। उसने, आप लोग जीत रहे थे, आप लोग उसमें नहीं पड़ते तो डेफिनेटली जो जेलर का डिसीजन रहना था वो पायल के ऑपोजिट में ही रहना था। जो जेलर का डिसीजन होना था कि इसने जो है इसमें विनिंग टीम के इसमें गंद डाला, तो हम लोग भी तो डिसीजन देते हैं ना, हम लोग भी तो वर्डिक्ट देते हैं ना। हमारा वर्डिक्ट अगर इसमें किसी ने नहीं किया होता, और जहां तक आप लोगों को रिजिस्ट करने का मौका था आप लोग किसी भी तरह से रिजिस्ट कर सकते थे। मैंने जस्ट अपनी टीम को प्रोटेक्ट, मतलब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको जस्ट लाइक ऐसे होल्ड किया था। मैंने उसको कोई टच नहीं किया, कोई स्क्रैच नहीं किया, कोई धक्का नहीं दिया। उसने मेरे को दो जगह काटा, उसने 5 बार मुझे पुश किया। अंजलि मुझे लगता है तुम्हारा ना आईक्यू वो लगता है बहुत कम है। तुम्हें इतना इतना पता है कि इट इज़ एन क्रिमिनल ऑफेंस। हम ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हर एक इंसान की एक इंटीमेट जोन होती है जो उसके 1 फीट अराउंड होती है। ओके, अंडरस्टैंड? कभी पढ़ना मॉरल साइंस में, ये पूरा बताया हुआ है। इंटीमेट जोन का एक चैप्टर होगा प्रॉपर के, योर फ्रीडम एंड्स, ये मेरे हमारे स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में था, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। पढ़ा है कि नहीं, सबने पढ़ा है ना ये? तो आप पायल को हाथ नहीं लगा सकते, चाहे प्यार से, चाहे मस्ती से, चाहे कुछ भी, किसी तरीके से आप टच नहीं कर सकते यहाँ किसी भी कंटेस्टेंट को उसकी मर्जी के बिना। लेकिन जो भी आपको हक है कि आप गेम जीते, यस मैम, ठीक है, लेकिन आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने उसको प्यार से पकड़ा था, कि नाजुकता से पकड़ा था, नहीं, अच्छी नहीं, भावना से पकड़ा था। नहीं नहीं, आप कोई भी किसी को टच नहीं करेगा। और पूनम लोगों के फेस के बिल्कुल नजदीक जाके जोर जोर से चिल्लाना बंद करो। यस, 1 से 1.5 या 2 फीट की दूरी जो है सब बना के रखेंगे। कोई भी एक दूसरे के इतने नजदीक नहीं जाएगा कि वो इंसान जो है वो घुटन महसूस करे। जो ये खेल है वो इट्स प्राइमरीली जो है वो इमोशन बेस्ड है, अंडरस्टैंड, बॉडी बेस्ड नहीं है। नहीं तो फिर वो होता है ना, क्या क्या होती है वो कुश्तियां, वहां जाओ ना, वहां पे करो ना कुश्तियां। ये कुश्ती का खेल नहीं है, ये मसल पावर का खेल नहीं है। मुझे मसल पावर मत दिखाओ यहां पे। एंड पायल, सबसे पहले तो तुमने जो मेरे लिए और करण के लिए अपॉलोजी की है, वी एक्सेप्ट दैट, थैंक यू। और तुमने बहुत गंदा एक एग्जांपल जो रखा था बदतमीजी करने का, वो यू रिडीम्ड योरसेल्फ, बट इन दैट यू नेवर क्रॉस द लाइन। थैंक यू, आई एम अगेन सॉरी। अगर तुमने क्रॉस की होती लाइन तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा किसी के लिए कोई। आई एम गोइंग टू बी एब्सोल्यूट, तुम्हें पता है ना सबको कि मैं नेपोटिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूं, और नेपोटिज्म इज नॉट खून का रिश्ता, नेपोटिज्म है पक्षपात। मैं पक्षपात के बिल्कुल खिलाफ हूं, वही मेरी जिंदगी का एजेंडा है। तो तुमने जो अपॉलोजी हमारे लिए दिया है, एक्सेप्ट दैट, थैंक यू। एंड आई मस्ट से कि तुमने जितना अच्छा गेम इस हफ्ते खेला है, थैंक यू, और जितना स्ट्रांगली तुम इमर्ज होके आई हो, पूरा तुमने गेम चेंज कर दिया है, थैंक यू। एंड आउटसाइड ऑल्सो यू आर बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल कैदीज, थैंक यू। और जो है तुम्हारा जो पूरा आर्क रहा है, इवन आई एम सरप्राइज्ड। मैं तो पिछली बार तुमसे इतना चिढ़ गई थी, मैंने कहा कि इसका तो कुछ नहीं होने वाला, अभी हो सकता है 3-4 दिन तक टिके ज़्यादा से ज़्यादा, बट यू चेंज्ड माय परसेप्शन कम्प्लीटली एंड एवरीबडी एल्सेस, थैंक यू। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू। एंड आई फील कि तुम्हें ये जो तुमने जो गेम अच्छे से समझा है और अच्छे से पकड़ा है वो काबिले तारीफ है। एक तो नंबर वन, यू आर रिलेंटलेस। अगर तुम इनसे इमोशनली हर्ट भी हो फिर भी यू वॉन्ट एंगेजमेंट, इट्स एडमायरेबल, इट इज़ डिज़ायरेबल, राइट? जब भी आपको टेस्ट किया जाता है यू नेवर क्रॉस द लाइन,
चाहे गाली गलोच आपके साथ हो या इन लोगों ने फिजिक, वी आर सॉरी फॉर दैट. और ऐसा नहीं होगा किसी भी कंटेस्टेंट के साथ नहीं होगा. अगर किसी के साथ हुआ तो गार्ड्स विल इमीडिएटली इंटरवीन, दैट वी अश्योर. थैंक यू. और दूसरी चीज़ इसमें देखने को मिला कि आप अपना दिमाग भी चलाती हैं लेकिन आप गेम को सरेंडर भी करती हैं पूरी तरह से. Yes. So it's a becoming a very good combination. So I hope you maintain this combination. You don't try and control too much and don't try and completely be ke haan main to phail hi jaau. So with this I want to say Payal, Nisha and Asma, you can go back to your barracks. Thank you. Aap log wapas apne jagahon pe ja sakte hain. Aapko bahar sone ki zarurat nahi hai. Aur common bathroom ab sabke liye open hai. Thank you. So Payal, what do you have to say about this week, how this week has been for you? I think this week, jaise aapne bola, was very emotionally charged for me. But Asma, I think, was a blessing because main ko janti nahi thi. But the moment she came, she just said 2-3 things. And I realized that I was wrong when I addressed you last week in anger. And I have no right to cross my line. And that's when I realized where I went wrong. But apart from that, main bahut khush hui ki Sangram ka ek maine wo jo tha link, करण के मुंह से सुना, आजमा के मुंह से सुना, एंड आई नो दैट माय माय होम इज़ ओके, माय फैमिली इज़ फाइन. एंड यस, आई वाज वेरी अपसेट कि मुझे शारीरिक प्रताड़िता फेस करनी पड़ी एंड आई वाज अब्यूज्ड सो मच. बट आई एम ग्लैड आई मेंटेन्ड दिस एंड आई विल, मैं आपकी एडवाइस को मानूंगी एंड आई होप आई एम एबल टू मेंटेन दिस डेकोरम इन द कमिंग वीक्स बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू दिस शो नाउ. And I really, really want to go ahead in the show because I really want to make a comeback in my career. So I will give it my best and I hope I give it my best in the right way. I hope I never, ever fight with you or disrespect you in my journey in the show. Payal, आपने पिछली बार जो मैंने आपको सजेशन दी थी बहुत अच्छे से सुनी और आपने फॉलो किया, तो आई होप दिस वीक ऑल्सो इट हेल्प्स यू. यस, क्योंकि मेरा यही एंडेवर है कि जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ विन करे और जो सबसे ज़्यादा फायरी है, बैड एस है एंड सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिमान है, पेशेंट है और सबसे ज़्यादा बहादुर है, वही इंसान जीते. तो मेरा माय एंडेवर इज़ टू फाइंड द बेस्ट विनर. मुनव्वर. यस जी. पिछले हफ्ते तो गायब ही हो गए यार बिल्कुल ही. ये वाइल्ड कार्ड एंट्रीज ने लगता है थोड़ा सा बैफल्ड कर दिया है. अब चीज़ें जो है मुनव्वर के हाथों से फिसलती जा रही है और उसे पसंद नहीं है. जब तक पूरा षड्यंत्र उसका ना रचे तब तक वो कुछ अनसेटल्ड फील करता है. एक तो तुम्हारे प्यादे भी तुम्हारे हाथों से निकलते जा रहे हैं और वो जो नए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है. तो लग रहा है कि माहौल ख़राब हो गया जेल का. ये माहौल क्या था और क्या होना चाहिए था और क्या ख़राब हुआ है? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? प्यादे तो नहीं है, सब हाथी घोड़े ही है. लेकिन पहला हफ्ता जैसे शुरू हुआ, पहला मंडे ट्यूसडे जैसे ही था, टास्क ख़राब होने लगे. मैं आई ऑलवेज़ उपले हो या चक्री हो, मैं टास्क ख़राब नहीं करना चाहता. आई ऑलवेज़ वॉन्ट कि उसका एक एंड हो, इसलिए मैं कभी ना तोड़ने जाता हूँ ना मैं अपनी टीम को तोड़ने देता हूँ. तो इस वजह से मैं थोड़ा रोकता हूँ. और अभी ये वीक जो हो रहा था, वाइल्ड कार्ड आए, आजमा आया, आजमा को देख के तो मैं पहले तो ऐसा हुआ और उसके बाद मैं उसको जब रियलाइज़. लेकिन आप लोग जो सब, पूनम आपने भी आजमा को जो कहा मैं उसका फुटबॉल बनाऊँगी और वो भी उसकी पीठ पीछे, और आप जो हैं उसको यू कीप कॉलिंग हर नेम्स, कोई छोटी चुटकी, छोटा पैकेट, बचकाना, ये सब करके क्या, व्हाट इज़ दिस यार, व्हाई यू गाइस बॉडी शेम हर सो मच? मंदना तुम हंस रही हो क्यों? मंदना ने स्टार्ट किया. रीजन आई एम लाफिंग मैम इज बिकॉज शी इज एक्चुअली रियली फनी एंड क्यूट. शी लुक लाइक दिस लिटिल एटम बॉम्ब विच इज लाइक गोइंग इन अ कॉर्नर्स एंड देन सडनली शी गेट्स एक्सप्लोडेड कम्प्लीटली. एंड लाइक द वे शी डिड व्हाट शी डिड विद माय बेड, थ्रो द होल वाटर एंड सैट and stared look into my eyes and said maine nahi kiya maine to bhai theek hai aap logon ki yahan pe jo bhi dekhiye kuch cheeze maine aapko batayi hai you have to be very careful. ab jaise azma hai you know wo ek puri ek generation of women hai, there is a entire population of women jinko represent karti hain chahe wo unki height ho, skin color ho, hai na. abhi jaise mere baal curly hai तो मेरे बाल को कोई घास फूस कहेगा तो आपको पता है ना, आप मेरे को नहीं, एक जिस पूरी रिप्रेजेंट करती हूँ वुमेन को, आप उनको यू नो राइट, आप उनको गलत कह रही हैं. तो जो लड़कियों की जो हाइट है विच अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स आप उनको शॉर्ट कह सकती हैं बिकॉज दैट इज़ योर परसेप्शन, राइट?
अपने लिए ये शायद शॉर्ट नहीं है, अपने लिए इनको ठीक लगता है कि हाँ मैं, मेरे को भगवान ने अच्छा बनाया है, आपके लिए वो शॉर्ट हो सकती है, आपकी ऐसी मानसिकता हो सकती है, तो आपको जो है ये हक नहीं बनता है कि आप उनको किसी भी तरह से बॉडी शेम करें, ठीक है, आप इनको कुछ भी कहिए, कुछ भी बुलाइए, प्यार से बुलाइए, लेकिन इनकी हाइट को लेके, किसी के कॉम्प्लेक्शन को लेके, किसी के सीक्रेट्स को, मैं देख रही हूँ जेल में ये भी बहुत चल रहा है कि सीक्रेट्स को लेके जो है शेम किया जा रहा है, चाहे वो निशा के हो, चाहे वो अंजलि के हो, ये सब नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को अपना जो है वो डेकोरम बना के रखना पड़ेगा, और क्योंकि आपको पूरा भारत देख रहा है, और आप लोगों को जो है जो भी हम लोग जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि नेशनल लेवल के होने चाहिए। देखिए लोगों की जो है, लोगों का शो, चाहे आप कितना भी करोड़ों खर्च करिए, यहाँ पे जब सोच छोटी आप डिस्प्ले करते हैं ना तो वो शो छोटा ही हो जाता है फिर, तो छोटे मत बनाइए इस शो को, ये शो छोटा नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। And ma'am, I spoke to her also after that. I said, "Masi mazak mein, I'm sorry if you felt that I'm body shaming you. I'm nobody to body shame you, and I'm nobody." यहाँ पे जो देखो एक बार बोल दिया उसके बाद sorry कह दिया, उसकी क्या value है वो तो हमने देख लिया अभी, ठीक है, वो सब छोड़िए, उसकी कोई value नहीं है या मुन्ना से। तो मैं वही बोल रहा था कि जब वाइल्ड कार्ड वगैरह आए तो स्टार्टिंग में सब लोग उससे थोड़े एंग्री थे कि ये क्या कर रही है करे, बट एक टाइम के बाद सब ने उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया फनी वे में। आप लोगों को अजमा को ये चीज देनी होगी कि शी इज लाइकेबल। हाँ, इतना कुछ करने के बाद और इतना हिम्मत दिखाने के बाद, इतनी बैड एस चीजें करने के बाद, इफ यू आर लाइकेबल तो देन बॉस यू हैव समथिंग इन यू दैट यू कांट डिनाई। तो मैं थोड़ा एज अ ऑडियंस बहुत मजा आया। आप मुनव्वर उसको डब्बे में डालकर आउट करना चाहते हो? बहुत बहुत फन वे में मैं वो बोला, ऑब्वियसली मैंने उसके बाद उससे बात की 2-3 बार उसको बोला। आपके करने से कोई बाहर नहीं होगा? नहीं नहीं, आई नो मेरे करने से कोई बाहर नहीं होगा। नहीं, मुझे कि तू अब जाने वाली है, तू जाने वाली है। वो डब्बा लेके आया ये वो, तो मैं थोड़ा फन वे में बोलता हूँ और मैं उससे बहुत सारी मजाक मस्ती करता हूँ। चलिए, लेट मी टेल यू, इट वाजंट फनी एंड यू वर नॉट ट्राइंग टू बी फनी। हां, उस वक्त जब वो गुस्से में आया था, कभी वो डब्बे, हां तुम और शिवम, तुम और शिवम वो ड्रम पकड़ के आए थे ना गुस्से में, जब सब मुझ पे चढ़ गए थे कि तू ऐसे वापस करेगी ना, तेको इस ड्रम में डाल के बाहर फेंक दूंगा, सीधा बाहर फेंक दूंगा, तब गुस्से में बोला था। आजमा, आपको कोई बाहर नहीं फेंक सकता जब तक आप खुद अपने आप को बाहर ना फेंकना चाहें। राइट, तो ये आपका भी मौका है और आप इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। तो सारा जी, आपने मेरी एडवाइस को पिछली बार अच्छे से नहीं समझा, शायद मेरी समझाने में भी कुछ कमी रह गई हो। मैंने आपको, आप करणवीर के साथ बोल रही थी कि ये आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है और आप जो हैं वो हैं और आप बदल नहीं सकते किसी चीज़ के लिए, मैंने आपको बदलने के लिए नहीं कहा, और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बात ये बढ़ती है कि आपकी, जब आपकी टीम में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जैसे मुनव्वर ने कहा कि सब घोड़े हैं, है ना, तो आप उनमें कैसे शाइन करेंगी, आप कैसे उठ के आएंगी, कैसे उभर के आएंगी, क्योंकि अभी आप नहीं उभर के आ रही हैं। तो उसके लिए जब आपके लिए कोई टास्क आता है उसका आप सेक्रीफाइस कर देती हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग एग्जैक्टली, कि आपको, यू शुड बी आउट देयर एंड यू शुड शाइन किसी भी तरह से। अब जैसे आपको जब बुलाया गया था सीक्रेट टास्क के लिए, जब आपको दिया गया, तो आपने वो चिट्ठी लिटरली, चाहे इशारों से या चाहे किसी चीज़ से, मुनव्वर को जाके सौंप दी, और फिर उन्होंने वो कैरी आउट किया जो उन्होंने किया, एंड अंजलि बिकेम द फ्रंट रनर ऑफ दैट मूवमेंट, कि हाउ वी डोंट लेट मंदना एंड आजमा कम इन आर ग्रुप। तो आप तो उसमें फिर ऐसा लगा कि काम सौंप के फिर फ्री हो गई। तो आई पर्सनली फील कि कहीं जो है आप, यू आर होल्डिंग बैक अलॉट, और आप कहती हैं कि यू नो 12 साल से मेरी ज़िंदगी में कोई आता नहीं, मतलब मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई, आपने ऐसी बात कही कि मुझे कोई फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। फैमिलीज़ में हमेशा बातचीत होती है कि ये तो, इनका तो शादी हो चुकी है एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड आई रियली ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। सी सारा, आई हाईली डाउट, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं और जेल में भी आप पे मरने वाले कई हैं, बाहर तो बहुत ही होंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप उनके आसपास भी ऐसे बिहेव करती हैं, जैसे अली ने भी आपके साथ में जो बात की, और ऑब्वियसली अगर मैं भी अपने किसी एक्स को मिलूंगी तो वाइब तो एक होती ही है ना, वाइब तो दो लोगों में होती है, खासकर जिनका एक पास्ट होता है, लेकिन आप इतना वर्कड अप हो जाती हैं
चाहे शिवम भी, आप इतना वर्कड अप हो जाती है तो आपको कोई लगता है कि बाहर कोई है जो आपको देख रहे हैं और आपको जज करेंगे, या जो आप किसी के साथ में आपके संबंध हो तो आपको ऐसा लगता है कि यू कांट टॉक टू एनी मैन और नो मैन कैन टॉक टू यू और नो बडी कैन कमेंट ऑन यू एंड इट शुडंट बी देयर अदरवाइज यू नो इट जस्ट यू गो बिजर्क. मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अली इज चाहे जो भी है बट ही इज हार्मलेस. जी एंड सो इज शिवम. आई गेट इट कंगना. इज जस्ट हमेशा वो एक एंगल लाइफ में हमेशा जुड़कर आया है सिंस 12 इयर्स से यही चल रहा है. मुझे आई वांट टू कम अक्रॉस एज मी, एज जस्ट मी, नॉट विथ समबडी. सो दिस इज़ माय मेन कंसर्न कि मुझे एक कपल के नाम पे नहीं जाने जानना या फिर नहीं जाने. तो आप तो ऐसे भी अली और शिवम के साथ कपल के नाम पे जाने ही नहीं जा सकते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल भी तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपने नाम से भी जाना चाहते हैं. बिकॉज आपने केवी को क्लियरली कहा कि आपकी वो पर्सनैलिटी है ही नहीं कि यू वॉन्ट टू बी आउट देयर. एंड यू नो केवी ने ये भी कहा कि कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं. अगर आप फॉलोअर्स बन के रहना चाहती हैं तो टू गुड एंड नथिंग बैड इन इट. आपने वो भी डिफेंड नहीं किया कि हाँ मैं फॉलोअर थोड़ी ना बनना चाहती हूँ. आपने कहा हाँ, मतलब आपने ना उसको डिनाय किया ना एक्सेप्ट किया. आई जस्ट फील जहाँ पे मुझे सही लगता है मैं वो उसको, अगर मुझे लगता है किसी किसी एक इंसान की वो एक स्पेशलिटी है जिसको मैं फॉलो कर सकती हूँ, आई विल. अगर मुझे लगेगा कि वो नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए तो आई डोंट डू दैट. आपको नहीं लगता है आजकल के ज़माने में इस शहर में चाहे डिवोर्सी ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, मुझे तो नहीं लगता कि अब जैसे मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, आई एम अ सिंगल वूमन, मुझे तो नहीं लगता कि मुझ पे इस तरह की कोई, हाँ अगर मैं अपने छोटे शहर में होती या गांव में होती तो एक अलग था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हवा नहीं बना रही है इसका कि मैं, मतलब मैं अपना पास्ट, आप कैसे अपना पास्ट पूरा इरेज कर सकती हैं. और आजकल की दुनिया में तो इट्स ओके ना. फिर क्या हो गया अगर कोई डिवोर्सी है तो मुझे तो नहीं लगता आपको कहीं भी किसी चीज़ में भी ये आपके दिमाग का एक वहम हो सकता है कि हाँ शायद मैं डिवोर्सी हूँ. लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया आपको इस नज़रों से देखती है. इनफैक्ट अगर किसी भी लड़की को सबसे ज़्यादा मेल अटेंशन मिलती है जेल में तो वो आप ही हैं. तो मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगा कि आपको इस तरह से दुनिया देखती है. आप खुद को इस नज़रिए से देखती हैं और देखती ही रहती हैं. या दैट्स माई बैड एंड आई शुड नॉट थिंक. मुझे निशा ने भी समझाया था बैठ के एंड आई शुड जस्ट मूव ऑन विद दिस फैक्ट. और शायद आपका कोई है बाहर जो आपको स्टॉप्स यू फ्रॉम इंडल्जिंग इन टू मच ऑफ. I just don't want to talk about anything right now. Good. ठीक है. Good for you. Thank you. सारे 6 unsafe कैदीज जो जो चार्ज शीट में हैं, साइड पे आके खड़े हो जाइए. क्या मंदना बोलो? मैम, यू पॉइंट आउट ऑप्शन दैट यू सेड कि ये लड़की जो है ना एक जनरेशन का रिप्रेजेंट कर रही है ना. मे बी जो हूँ इन माई एज आई एम रिप्रेजेंटिंग ए वूमन लाइक मी, राइट? शी सेड इट कि मैं उनका डॉगी का जैसे लगती हूँ. मेरा एक्स के बारे में, मेरा डिवोर्स के बारे में, मेरा इतना बॉयफ्रेंड्स अपेरेंटली विच आई डोंट हैव एनी आइडिया हु आर ऑल माई बॉयफ्रेंड्स. और जैसे मैं हूँ, जैसे मैं देखती हूँ कि मैं कैसी हूँ, ऑल दैट स्टफ. सो टेल मी समथिंग, इज देयर ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑफ her generation or that's how she's representing her. मैं किसी को बढ़ा या चढ़ा नहीं रही, मैं वो बता रही हूँ जो मेरे शो के लिए वर्क करता है, जो मेरी गेम के लिए वर्क करता है. आपको उन्होंने जो है रिटेलिएशन में, आपने संग्राम के बारे में कुछ कहा. मेरा भी एक छोटा पेट है, मेरी एक आई हैव अ लिटिल गर्ल कॉल्ड प्लूटो, है ना. तो मैं अगर किसी की शक्ल प्लूटो से मिले तो मैं तो उसको चूम लूँ, समझे? तो वो एक जनरल स्टेटमेंट है. लेकिन जो अपेरेंटली जो शॉर्ट हाइटेड, सो कॉल्ड शॉर्ट हाइटेड वुमेन हैं, उनका अपमान करना, उनको अलग अलग अपशब्द कहना उनकी हाइट को लेके, या किसी को कहना कि आपका जो है चेहरा मेरे डॉगी से मिलता है, ये अलग अलग बातें हैं, है ना. आप इनको एक सेम बात नहीं बता सकती. क्योंकि देखिए, बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं वो अपनी हाइट को लेके उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें सहनी पड़ती हैं कि आप जो हैं, रिश्ते नहीं होते लड़कियों के, शादियां नहीं होती हैं, उनको जॉब नहीं मिलती हैं. बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि बहुत प्रिजुडिस्ट्स हैं, कलर को लेके, हाइट को लेके, चाहे एयर होस्टेस की हो, मैनेजमेंट की हो, बहुत सारी जॉब हैं लड़कियों को लेकर, खासकर उनमें बहुत ज़्यादा प्रिजुडिस्ट्स होती हैं. तो मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ को दुनिया में किसी भी स्त्री के लिए एक शॉर्टकमिंग की तरीके से लोग यूज़ करें. हमको वो धारणा चेंज करनी है.
और जब भी ये मौका मिला वो धारणा चेंज करने की कोशिश करो, उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं करो। मुझे आसमा के कमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं लगी जो आपत्तिजनक है, मुझे नहीं लगी। इफ समवन एल्स नोज अबाउट अ पब्लिक सिचुएशन दैट अ वुमन हैड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट बाय नॉट नोइंग द फैक्ट्स, हाउ अबाउट दैट? आई वांट टू चेंज थिंग्स लाइक, अगर आप देखिए जैसा मैंने आज निशा को कहा, जिस उसमें आपको चैलेंज मिलता है उसी लैंग्वेज में फिर जवाब भी मिलता है ना? ऐसा तो नहीं कि आप संग्राम की बात करेंगे जो इनके फियांसे हैं, तो जवाब तो उसी लैंग्वेज में आएगा ना। ऊपर से आप निशा के सीक्रेट को लेके मॉक करेंगी आप, है ना, तो जवाब आपको उसी लैंग्वेज में मिलेगा। तो जिस लैंग्वेज में आपको जवाब नहीं चाहिए उस लैंग्वेज में सवाल मत पूछो। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनसेफ कैदीज। कल रात से दो कैदी अनएक्सपेक्टेडली लॉकआउट हो चुके हैं, ना ही उनकी कोई प्लानिंग थी और ना ही हमारा ऐसा कोई मकसद था। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक रियलिटी शो है और आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि ये बहुत ही जेन्युइन रियलिटी शो है। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं होता है। अगर हम किसी चीज़ के अंगेंस्ट हैं यहाँ पे तो फेकनेस के ही अंगेंस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा हर वीकेंड का प्रोसेस है वो नहीं होगा। एक कैदी यहाँ से जाएगा। सो एज वी नो कि जजमेंटल जनता ने अपना निर्णय सुनाया है और आप में से किसी एक को सबसे ज्यादा वोट्स देकर बचाया है। सो अब हम सेफ कैदीज पे जाते हैं। एक एक करके बताइएगा कि सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं और क्यों। अंजलि, वोट्स के हिसाब से मुनव्वर और करण का जजमेंट है बिल्कुल सही है। यस यस, मुनव्वर तुम ना बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन शायद तुम मुझे गलत ना प्रूव कर दो। मैं तुम्हें जितना बड़ा मास्टरमाइंड समझती हूँ, आई होप तुम उतने बड़े मास्टरमाइंड हो। तुमने जो है तुमने अपने छोटे छोटे प्यादे बनाए थे, लेकिन आपको पता है कि अब ये जो है ये अनलीस्ड मॉन्स्टर बनती जा रही है और आपको अब पीछे ना छोड़ जाए कहीं। और आपने ये जो अंजलि को जो भी जितना भी ट्रेनिंग दिया है, अब वो मैं ये कह सकती हूँ कि शिष्य गुरु से आगे बढ़ रहा है। कोई बात नहीं मैम, दोस्त कोई बात नहीं। अंजलि आप खुश हो? मैम यस, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और अंजलि आई हैव टू से कि इवन इन बजर टास्क आपने जिस तरह से कन्विंस किया और दो दो लोगों को कन्विंस किया, आई मस्ट से आई कांट हेल्प बट थिंक दैट यू आर द डार्क हॉर्स ऑफ द गेम। थैंक यू मैम। और एक इसके सिवाय कि आप फिजिकल हो गए पायल के साथ, उसके सिवाय मतलब स्पॉटलेस थ्रू द वीक। मैं पायल को सॉरी बोलना चाहूँगी इस चीज के लिए जो भी मैंने किया। मैं जस्ट अपनी टीम को डिफेंड करने गई थी। अगली बार से मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी और जो भी रहेगा आई विल इम्प्रूव। ओके, यू टेक योर सीट। For saying something because I felt you did some action, I said because I was feeling choked, so I am also sorry. It's okay. Thank you. Okay. Congratulations, Anjali. Thank you so much. आपको judgmental जनता ने बचा लिया है, आप अपनी सीट ले सकती हैं। Thank you, ma'am. इसका मतलब आप पांचों कैदी अभी भी unsafe हैं। जी। ये game तुम सभी team में जरूर खेल रहे हो। लेकिन जो भी जीतेगा इंडिविजुअली जीतेगा। टीम का सोचो मगर खुद का थोड़ा ज्यादा। मेक योर गेम इंटरेस्टिंग। सी यू टुमारो। हमें बहुत खुशी है कि हमारी देश की जनता ने हमें इतना ज्यादा प्यार दिया और उसी प्यार के बदले हम सभी आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। हम आपको देने वाले हैं एक ऐसा एक्सपीरियंस जो दुनिया में पहली बार किसी रियलिटी शो के लिए हो रहा है। हम दे रहे हैं मेटावर्स में एक वर्चुअल गेम जहां आप लॉकअप के कैदी बनने का वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस मंगलवार 29 मार्च से गेम खेलने के लिए लॉगिन कीजिए www.lockupgame.com। खेलना शुरू कीजिए और जीतिए लाखों के इनाम। मैंने हमेशा कहा है मेरा लॉकअप बाहर की दुनिया की ही एक रिफ्लेक्शन है। यहां भी वही हो रहा है जो होता है। पुराने लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं और नए रिश्ते बन रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये गेम खेल रहे हैं मगर असलियत में गेम इन्हें खेल रहा है। मेरी इस बैडएस जेल में अब हर मिनट अत्याचार बढ़ेगा और कल इन्हीं में से एक कोई मेरे लॉकअप से लॉकआउट हो जाएगा। सी यू टुमारो।